हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट वन है। एंड आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो स्टोरी की स्टार्टिंग में कुछ लोग एक कंपनी के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, साथ ही प्रेसिडेंट से मीटिंग की बात कर रहे होते हैं। ये है चार्ट जिसके पास कॉल आता है प्रेसिडेंट का। उसे पता चलता है प्रेसिडेंट आ गए हैं। वह फैक्ट्री के सभी वर्कर्स से छुपते हुए जल्दी से कार में चला जाता है। सारे वर्कर्स लोग उसे देख लेते हैं। कार पर ढाबा बोल देते हैं। चार्ट कहता है प्रेसिडेंट से, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड बाहर के लोगों को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी कार का गेट ओपन होता है। सभी लोग शांत हो जाते हैं। तभी अचानक से गेट खुलता है। कार से बाहर आता है कंपनी का प्रेसिडेंट, जिसका नाम पावुत है। यही हमारे ड्रामे का मेन लीड है। पावुत कंपनी के अंदर जाता है। यह है अंकल सानो। वह कहते हैं, माना फैक्ट्री तुम्हारी है, मगर तुम हम लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। पावुत इन पर ही इल्जाम लगाते हुए कहता है, तुम मेरी कंपनी में घुस आए, हमारे लोगों को परेशान किया। तुम्हारी फैक्ट्री लॉस में जा रही थी, तुम्हारे बॉस ने मुझे बेच दी। अब मैं उस फैक्ट्री के साथ जो चाहूँ करूँ। अंकल सानो कहते हैं, भाई हाथ से नहीं हटेंगे। पावुत फैक्ट्री में वर्कर्स को हटाकर मशीन्स ला रहा होता है। ये सभी लोग इसी बात का विरोध कर रहे होते हैं। पावुत अंकल सानो से कहता है, आपको यहाँ से जाना होगा। अंकल सानो मना कर देते हैं। उनके पास किसी का कॉल आता है। ये कॉल फैक्ट्री से होता है। पर्सन अंकल सानो को बताता है, यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं पावुत के, उन लोगों के पास बॉम्ब है, यहाँ पे लगा रहे हैं। अंकल कहते हैं, तुम फैक्ट्री नहीं उड़ा सकते हो। पावुत कहता है, तुम लोगों को यहाँ से बाहर जाना होगा। मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ यहाँ से जाने के लिए। पावुत का असिस्टेंट कहता है, बॉम्ब फिट हो चुके हैं सारे। पावुत सभी से कहता है, तुम लोगों के पास 20 सेकंड है यहाँ से जाने के लिए, नहीं तो हम फैक्ट्री उड़ा देंगे। अंकल सानो का बेटा कहता है, अब हम क्या करें। पावुत कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अपना मन नहीं बदलूंगा। तुम लोगों के पास 10 सेकंड है। काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। ये सभी लोग भाग जाते हैं। अंकल सानो कहते हैं, भाग गिव अप नहीं करेंगे। अंकल सानो का बेटा सोम उनसे कह रहा होता है, चलो। जैसे ही 2 सेकंड्स रह जाते हैं, अंकल सानो वहाँ से भाग जाते हैं। उनका बेटा रह जाता है। वह उसके डैड को वेट करने के लिए बोलता है। इसके बाद वह भी बहुत तेज भागता है। एंड पावुत की काउंटिंग खत्म होने से पहले उसकी कंपनी के बाहर होता है। पावुत का असिस्टेंट चार्ट पूछता है, क्या आप सच में उड़ा देते फैक्ट्री। पावुत कहता है, नहीं, हमारी कंपनी ने उस फैक्ट्री को खरीदने में इतने पैसे लगाए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो बस उन लोगों को डरा रहा था। चार्ट कहता है, वैसे आप आज रात के गेम के बारे में भूल गए। पावुत पूछता है, कौन सा गेम। चार्ट उसे आज की फैमिली बिजनेस मीटिंग के बारे में याद दिलाता है। देन हमें बिजनेस मीटिंग का सीन दिखाते हैं। यह है पावुत की ग्रैंडमा। ये ग्रैंडपा कहते हैं, पावुत कहाँ पर है। ग्रैंडमा कहती है, अभी 7 बजने में टाइम है। सभी लोग अपनी वॉचेस देखकर स्माइल कर रहे होते हैं, यह सोचकर पावुत समय पर नहीं आ पाएगा। 7 बजते ही पावुत की आवाज आती है, वह वक्त पर पहुंच जाता है। ग्रैंडपा पावुत पर नाराज होते हैं फैक्ट्री के वर्कर्स को डराने के लिए। ग्रैंडमा कहती हैं, फैक्ट्री हमने खरीद ली थी, हम जो चाहे कर सकते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, मैं जानता हूँ सिस्टर इन लॉ, लेकिन पावुत को ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। ये है ग्रैंडपा का बेटा। पावुत से कहता है, तुम फैक्ट्री को ब्लास्ट करने की धमकी दे रहे थे, ये बहुत ही चाइल्डिश बिहेव था। पावुत कहता है, मैं जानता हूँ आप दोनों ही बिजनेस की बहुत चिंता कर रहे हैं, मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ, बट आपको गारंटी देता हूँ, जो भी मैं फैसला करता हूँ वह कंपनी के भले के लिए होता है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो कंपनी का प्रॉफिट एंड रेवेन्यू 2 मिलियन से 20 मिलियन तक नहीं पहुंचता। दूसरे अंकल कहते हैं, तुमने इतना महान काम भी नहीं किया है। पावुत कहता है, मुझे मेरी गलती माननी ही होगी, जो मैंने कंपनी का इतना प्रॉफिट कराया, आप लोगों को ये सोचने दिया कि आप बिना कुछ किए ही प्रॉफिट ले जा सकते हैं। मैंने डिसाइड किया है नेक्स्ट ईयर से जो जितना काम करेगा उसे उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, और सभी की बोलती बंद कर देता है। ग्रैंडमा कहती है, तुमने देखा, वह तुम्हारी प्रेसिडेंट की कुर्सी छीनना चाह रहे थे। ये प्रेसिडेंट की कुर्सी पीढ़ी दर पीढ़ी हमें ही मिलती आ रही है, तुम्हें अब आगे के बारे में सोचना चाहिए। ग्रैंडमा सिंपली उससे ग्रैंडचाइल्ड मांग रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम एक केक आई को दिखाते हैं, जो कि पावुत की गर्लफ्रेंड है एंड ये एक बैलेरीना है। पावुत उसी से बात कर रहा होता है। वह कहती है, न्यूयॉर्क में बैलेट कंपटीशन है जिसके लिए उसे जाना है। पावुत उसे बहुत सपोर्ट करता है। नेक्स्ट डे पावुत केक आई का वीडियो देख रहा होता है। चार्ट पूछता है, क्या आपने मिस केक आई को प्रपोज किया। पावुत कहता है, अभी तक नहीं। चार्ट कहता है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ग्रैंडमा किसी और लड़की को ले आएंगी, आपको फोर्स करेंगी उनसे शादी के लिए। पावुत कहता है, नहीं, मैं केक आई के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं वानिदा को, जो कि हमारी ड्रामे की फीमेल लीड है। वह एक लॉ फर्म में काम करती है, जो कि काफी सारा सामान कैरी किए हुए थी। वह फैन से मिलती है। फैन उसे बताती है, मीटिंग एंड हो चुकी है, तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम लोगों की क्यों इतनी मदद करती रहती हो, तुमने लंच किया क्या। वह कहती है, नहीं। फैन उसे रोककर कहती है, दूसरों की वे बचा मदद करना बंद कर दो। वानिदा अंदर
जाती है। उससे गेट टकराने वाला था बट कोई रोक लेता है, साथ ही उसकी हेल्प भी करता है। वह पर्सन वानिदा को नाम से बुलाता है। वानिदा ये जानकर हैरान होती है, उससे उसका नाम पता है। वैसे इसका नाम वाट है एंड ये एक लॉयर है। वानिदा सभी के लिए जो फूड लेकर आई थी सभी को बांट देती है। सभी लोग अपना काम नोट्स पर लिखकर वानिदा को दे रहे होते हैं करने के लिए एंड वह कुछ कहती भी नहीं। सभी लोग चले जाते हैं, वानिदा वहीं रहती है। वाट आकर उससे पूछता है डिनर के लिए। दोनों डिनर के लिए जाते हैं। वह वानिदा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें पावोद को दिखाते हैं जो कि पार्टी में आया था। सारी लड़कियां उसके आगे पीछे घूम रही होती हैं। एक लड़की पावोद से आकर कहती है क्या वह इंटरेस्टेड है एंड उसके साथ क्रूज पर जाना चाहेगा। पावोद उसे भाव नहीं देता, बाद में कुछ सोचने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं पावोद चैट के घर पर पहुंचा था। पावोद उसे बताता है वह केकाई को प्रपोज करने वाला है। वह कहता है इतनी सुबह सुबह प्रेसिडेंट आप यहाँ क्या कर रहे हैं एंड आज तो संडे था, मुझे 2 से 3 दिन की लीव चाहिए है। चैट कहता है छुट्टी तो आप अभी भी ले सकते हैं लेकिन आप करने क्या वाले हैं। पावोद उसे बताता है वह केकाई को प्रपोज करेगा क्रूज पर। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं वानिदा के पास भी क्रूज का वाउचर होता है क्योंकि उसने किसी कॉन्टेस्ट में उसे जीता था। वह फैन से बोलती है उसके साथ चलने के लिए। फैन कहती है नहीं उसके पास समय नहीं है एंड सलाह देती है वाट को अपने साथ ले जाओ, वह तुम्हें काफी इंटरेस्ट ले रहा था। वानिदा झिझक रही होती है। फैन कहती है ये सब नॉर्मल है। वानिदा यहाँ पहुंची होती है टिकट कंफर्म करने के लिए एंड पावोद भी यहीं पर होता है जो कि रिंग बाय कर रहा था। जब पावोद हैप्पीली रिंग लेकर जा रहा होता है वानिदा उससे टकरा जाती है। पावोद नीचे गिर जाता है, रिंग पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है बट वानिदा उसके ऊपर गिर जाती है जिस वजह से रिंग लुढ़क जाती है। ये दोनों रिंग का पीछा करने लगते हैं। रिंग एक जगह आकर रुक जाती है। पावोद से पहले वानिदा ही पहुंच जाती है रिंग लेने। पावोद उसे केयरफुल होने के लिए बोल रहा होता है क्योंकि यहां 2 ग्रुप्स की लड़ाई होने वाली थी जिसमें वानिदा फंस जाती है। वानिदा को चोट पहुंचती इससे पहले ही पावोद उसे बचा लेता है बट ये दोनों ग्रुप्स एक होकर इन दोनों को घूरने लगते हैं। पावोद जल्दी से वानिदा का हाथ पकड़कर भगाता है उसे, लेकिन इतने सारे लोगों को आता देखकर उसका हाल छोड़ आगे आगे भागने लगता है। फिर वानिदा डरकर आगे भागने लगती है एंड ऐसा लग रहा होता है ये दोनों रेस लगा रहे हैं, कभी वानिदा आगे तो कभी पावोद। वानिदा पीछे ही गिर जाती है। पावोद उसके पास जाकर उसकी हेल्प करता है एंड फाइनली इन लोगों का पीछा उन गुंडों से छूट जाता है। पावोद कहता है क्या तुम ठीक हो, वह कहती है हाँ। उस पर डांटता है उन लोगों की फाइट के बीच में क्यों गई थी। वानिदा कहती है मुझे चिंता हो रही थी आपकी रिंग खो जाती। वह पूछता है मेरी रिंग कहाँ है। वह उसको दिखाती है उसके हाथ में रिंग देखकर। वह कहता है मुझे वापस दो, तुमने ये रिंग क्यों पहन ली, ये मेरी गर्लफ्रेंड के लिए थी। वानिदा उसे सॉरी कहती है। पावोद उससे कहता है कहीं तुम इसे चुराने की कोशिश तो नहीं कर रही थी। वानिदा कहती है उसकी वजह से रिंग गिरी थी इसलिए वह रिंग वापस लाना चाहती थी। पावोद उसे यूजलेस बोलकर जा रहा होता है बट रुककर उसे थैंक्स बोलता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं पावोद रिंग देख रहा होता है बट तभी उसे रिंग देखते हुए वानिदा की याद आ जाती है एंड उसके चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं केकाई को जिसके पास टिकट्स पहुंच गई थी, वह पावोद को थैंक्स बोलती है। इन दोनों की लवी डवी बातें चल रही होती है तभी कोई हंसने लगता है। के कहती है शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई लव नहीं है इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। तभी वह बंदा उससे जवाब देता है इसका नाम है ताया। के पूछती है तुम थाई हो, वह कहता है हाँ। नेक्स्ट सीन में जब वह आगे जा रही होती है उसे एक फोटो देखती है, वह उसके साथ क्लिक करने लगती है। वह काफी सारा आर्ट का सामान होता है, वह सभी के साथ फोटोज क्लिक कर रही होती है। उन सभी आर्ट्स के साथ पिक्चर्स लेते वक्त थाया उसके सामने आ जाता है। पहले तो वह डर जाती है बट बाद में कहती है उसे देखकर तुम्हें दिख नहीं रहा था मैं पिक्चर्स ले रही थी, तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए। थाया कहता है मैंने देखा। के कहती है तुम मेरी अटेंशन गेन करना चाह रहे थे। थाया कहता है तुम पिक्चर्स कैसे ले सकती हो, अभी तो एग्जीबिशन हुआ ही नहीं है। के कहती है तुम्हें क्या पता मैं यहीं आई थी, मैं थाया की बहुत बड़ी फैन हूँ। थाया कहता है तुम्हें तो पता ही नहीं वह कौन है, तुम उसकी फैन कैसे हो सकती हो। के कहती है तुम्हें कुछ नहीं पता। तभी एक पर्सन आता है, थाया को उसके नाम से बुलाता है। अब के को समझ में आता है उसने क्या मिस्टेक की है। थाया उससे कहता है मुझे जाना है बट पहले मैं तुम्हें बता दूं मेरा नाम थाया रॉजर है, मुझे खुशी हुई अपनी एक फैन से मिलके, और चला जाता है। के का तो पोपट हो जाता है। थाया का सेक्रेटरी उसके पास एक पिक्चर लेकर आता है, वह पिक्चर देखता है। यह बात कर रहे होते हैं थाया की सिस्टर को ढूंढने के बारे में। वह कहता है आप सब जगह अपनी बहन को खोज चुके हैं बट वहाँ नहीं मिली। थाया कहता है वह गिव अप नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं के परफॉर्मेंस दे रही होती है। ये सभी देख रहे होते हैं, उसे अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है न्यूयॉर्क में परफॉर्मेंस देने की बट वह कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर देती है क्योंकि वह जो रोल प्ले करना चाहती है वह पहले ही कोई कर रहा है।
एंड लीड कैरेक्टर के अलावा वह कोई दूसरा रोल प्ले नहीं करना चाहती है। यहाँ पावुद को दिखाते हैं जो बहुत हैप्पी होता है। नेक्स्ट सीन में हमें वानिदा को दिखाते हैं क्रूज पर, वह वाट के साथ आई थी, बट वाट का कैरेक्टर कुछ अच्छा नहीं होता, वह किसी और लड़की को देख रहा होता है एंड वह लड़की भी उसे स्माइल देकर जाती है। वानिदा वाट के ऊपर छींक देती है, फिर माफी भी मांगती है। वाट उस पर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी वजह से मुझे कोल्ड हो जाएगा। लेट कहती है वह मेडिसिन लेकर आई है। वाट उसे कहता है तुम अपना सामान ले जाओ, मैं जगह घूम लेता हूँ थोड़ी, जा रहा होता है। बट रुकर कहता है मैं अपना क्रेडिट कार्ड भूल आया हूँ, क्या तुम मुझे अपना दे सकती हो। एंड उससे ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि अपना सामान लेकर आ रही होती है, थाया कार में बैठ जाता है। वह आकर उसे बाहर निकालती है कार से। तुम मेरी बुक्ड की हुई कार में क्यों बैठ रहे हो। थाया कहता है ये कार मेरी है। ये दोनों इसी बात पर से लड़ने लगते हैं। तभी होटल मैनेजमेंट वाला बताता है आपकी कार नहीं आई है अभी। के कहती है उसे जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना है। थाया उसे राइड ऑफर करता है, वह कार में बैठ जाती है। थाया उसे कहता है मेरी कार में बैठी हो, कम से कम नाम तो बता दो, लेकिन वह नहीं बताती। यहाँ पावुद को दिखाते हैं जो कि क्रूज पर आ चुका था। जाते वक्त वह टकरा जाता है निद से, निद के ग्लासेस गिर जाते हैं। उसे संभालने के चक्कर में पावुद उन ग्लासेस पर पैर रख देता है। निद उसे देखती है बट चश्मा ना होने की वजह से उसे पहचान नहीं पाती। पावुद उसे कहता है तुम फिर से मेरा पीछा करते करते सिंगापुर तक आ गई। निद कहती है क्या मैं तुम्हें जानती हूँ, हम मिले हैं पहले। पावुद को बहुत बुरा लगता है उसे वह पहचान नहीं पाई, वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं अंकल सानो और उनका बेटा सोम यहीं पर होते हैं, जो कि कुछ बड़ा प्लान करके आए थे। अंकल सानो का बेटा सोम इस लड़की से बात कर रहा होता है जिसे वार्ड लाइन मार रहा था। वह लड़की किसी रूम में जाने की बात कर रही होती है, वार्ड उसी के पीछे होता है। अंकल सानो कह रहे होते हैं ये ड्रग हम पावुद को दे देंगे जो उनके रूम में जाएगी, जिसके बाद हम उन लोगों को रंगे हाथों पकड़कर उनका वीडियो शूट करेंगे। निद अपने रूम में पहुंचती है, वार्ड को कॉल करती है, वह उसका कॉल पिक नहीं कर रहा होता क्योंकि इसे तारने में बिजी होता है। जिसके बाद निद अपनी मेडिसिन खा लेती है, पढ़ नहीं पा रही होती। वैसे मेडिसिन पे लिखा होता है उसे बहुत ही नशा होने वाला है दवाइयाँ लेने के बाद। यहाँ के पहुँच गई थी इस बारे में पावुद को बताती है। जब ये जा रही होती है उसके पास कॉल आता है, उसे पता चलता है जो रोल वो प्ले करना चाहती थी वह अब उसे ही मिल रहा है। ये बात सुनकर वह बहुत खुश हो जाती है। यहाँ निद को दिखाते हैं जो कि अंधी बनी घूम रही होती है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। ये के को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। निद चीख देती है और वहाँ से भाग लेती है। ये उसके पीछे जाता है बट निद उसे नहीं मिलती। टॉम जोजो से बोलता है रूम में जाने के लिए, बट जाते वक्त वाट उसे जानबूझ कर टकरा जाता है। ये दोनों बाप बेटे बहुत खुश होते हैं, प्लान सही जा रहा है इस बात से। यहाँ निद को दिखाते हैं जो कि नशे और चश्मा नहीं होने की वजह से गलत रूम में घुस जाती है। निद वहीं सो जाती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं पावुद आता है इसी रूम में, वहाँ भी नशे की हालत में होता है। वह रिंग देकर के गाय को प्रपोज कर रहा होता है। नींद में ही वह के को हक कर लेता है। यहाँ दादी खुश हो रही होती है, पावुद आज के को प्रपोज करने वाला था। पावुद तो वानिदा के साथ होता है एंड उसे के समझ रहा होता है। हमें दिखाते हैं ये दोनों बाप बेटे सो रहे होते हैं। अंकल सानो की नींद खुलती है एंड वह उसके बेटे को जगाते हैं, कहते हैं हमें उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ना है। यहाँ अभी तक इन लोगों को कुछ पता नहीं था। पावुद वानिदा को केकाई समझ कर रिंग पहनाता है। जब उसका नाम लेता है तो वानिदा कहती है ये केकाई कौन है, उसकी तरफ देखती है। जिसके बाद इन दोनों को ही बहुत बड़ा शौक लगता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से चादर खींचने लगते हैं। दोनों कह रहे होते हैं तुम कौन हो और मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे ये दोनों टपक जाते हैं वीडियो शूट करने के लिए। पावुद उन लोगों को मना कर रहा होता है। सोम वानिदा तरफ कैमरा करते हुए शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वह किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे। वानिदा उन्हें पहचान लेती है क्योंकि सोम उसकी बहन का पति होता है और ये सभी एक ही टाउन में रहते हैं। अंकल सानू कहते हैं ये इंट्रोडक्शन का टाइम नहीं है। वानिदा को एक तरफ कर देते हैं, पावुद का वीडियो शूट करने लगते हैं। जिसके बाद ये भागने की करते हैं एंड वॉशरूम में घुस जाते हैं। ये दोनों वानिदा से पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रही थी। वानिदा कहती है उसे नहीं पता। ये लोग गेट खोलकर देखते हैं, पावुद खड़ा होता है, सोम से फोन मांग रहा होता है। इन लोगों को फैक्ट्री बचाने के लिए फोन भी बचाना था। अंकल कहते हैं हम बहुत जल्दी से भाग जाएंगे। तभी गेट खोलकर पावुद को धक्का देकर ये दोनों भाग जाते हैं, बट वानिदा भोली सी वहाँ रह जाती है, पावुद के हाथों पकड़ी जाती है। ये दोनों बाप बेटे भाग रहे होते हैं बॉडीगार्ड से। अंकल सोम को फोन देते हैं बट वो फोन पानी में गिर जाता है। यहाँ वानिदा को दिखाते हैं जो घबराई हुई सी बैठी थी। पावुद को ये लोग खबर देते हैं वो फोन पानी में गिर गया है। इसके बाद पावुद पूछता है
तुम कौन हो एंड मेरे रूम में क्या कर रही थी। वानिता कहती है वो तुम हो जो मेरे रूम में आए थे। पावुत कहता है ये तुमने तुम्हारे जीजू के साथ प्लानिंग की है ना। वानिता कहती है कौन सी प्लानिंग, ये मेरा रूम है। पावुत उसे दिखाता है देखो रूम नंबर। भाभी शॉक्ड हो जाती है देखकर। वानिता कहती है उसे कुछ भी नहीं पता। पावुत को लगता है ये उसके रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसे फंसा रही थी। उसे वहां से निकाल देता है कुछ बातें सुनाकर। वह अपना फोन चेक करता है एंड उसे पता चलता है कि काई तो यहाँ आई ही नहीं, वो तो न्यूयॉर्क चली गई अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हुए। वानिता अपने रूम में पहुंचती है, रोते हुए वार्ड के पास जाती है बट यहाँ पर जूजू होती है। यहाँ वानिता को एक और शॉक लगता है। यहाँ पावुत के कमरे में वह अपने शूज भूल गई थी जो पावुत देने जा रहा होता है। वानिता उसे सच बता देती है जो कुछ भी हुआ। वार्ड उसकी बहुत बेइज्जती कर रहा होता है, कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो चाहे करो। वानिता कहती है वह उसे पसंद करती थी इसलिए उसके साथ यहाँ आई थी। वार्ड कहता है वह उससे प्यार नहीं करता है, अगर तुम मेरे साथ वो सब करने के बाद किसी और के साथ भी करती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये सभी बातें पावुत बाहर से सुन रहा होता है। वह अंदर आता है वानिता के पास उसके शूज देने के लिए। पावुत उसके आंसू पोंछता है। वार्ड कहता है यही है ना वो पर्सन जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड की है। पावुत उसे सुनाकर वानिता को अपने साथ ले जाता है। वानिता सेट खड़ी होती है, अपने बारे में बताती है, सब उसे स्टिकी नोट बुलाते हैं। मैं वो पर्सन हूँ जो यूजफुल तो है मगर काम निकलने के बाद उसे फेंक दिया जाता है। पावुत उससे कहता है तुम उस जैसे पर्सन के लिए क्यों रो रही हो। वानिता कहती है वह उसे प्यार करती थी इसलिए उसके साथ यहाँ आई थी, यहाँ तक कि मैंने तो उसे अपना क्रेडिट कार्ड भी दे दिया ताकि वो भी मुझसे उसी तरह प्यार करे जिस तरह मैं करती हूँ। पावुत उसे कह रहा होता है तो अच्छा हुआ तुम्हें उसकी सच्चाई पता चल गई एंड समझा रहा होता है बट चिल्ला चिल्ला कर वह कहती है तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो, कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तो पता नहीं चल गया, मैं उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। पावुत कहता है कोई बात नहीं। वानिता कहती है नहीं मैं एक्सप्लेन कर दूंगी ना। पावुत गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है वो यहाँ आई ही नहीं, उसने मुझे डम कर दिया इसलिए मेरा दिमाग खराब है, तुम सेटिस्फाइड हो अब। वानिता उसे सॉरी कहती है। पावुत कहता है तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, चलो मेरे साथ। वह कहती है कहाँ। पावुत उसे कहता है तुम स्टिकी नोट नहीं हो, मैं चाहता हूँ सब तुम्हारी वैल्यू करें। इसके बाद वह उसे ले जाता है मेकओवर के लिए। वह उसे काफी सारी ड्रेसेस ट्राई कराता है जिसके बाद जब वह रेडी हो जाती है तो ये दोनों जा रहे होते हैं। वह कहता है स्माइल तो करो जाने से पहले। ये दोनों वानिता को देख कर हैरान हो जाते हैं। पावुत उसे अपने साथ लेकर आता है एंड एक गेम खेलने के लिए बोलता है। यहाँ वार्ड हर राउंड जीत रहा होता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। पावुत उसे लास्ट राउंड खेलने के लिए बोलता है। जूजू उसे मना करती है ये कहते हुए कि तुम पहले ही बहुत जीत चुके हो, अब तुम्हें नहीं खेलना चाहिए। बट वह किसी की नहीं मानता, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है बल्कि वहीं खड़े एक बंदे से काफी सारे पैसे उधार ले लेता है। पावुत लास्ट कार्ड वानिता से खोलने के लिए बोलता है। वह कार्ड देखकर हैरान होती है। पावुत उसे स्माइल करने के लिए बोलता है। पावुत गेम जीत चुका होता है। अब वार्ड के पैरों से तो जमीन खिसक गई थी क्योंकि वह सब कुछ हार चुका था। जूजू उसे काफी सुनाकर और इडियट बोलकर चली जाती है। जिस बंदे से उसने पैसे लिए थे बंदे से वह कहता है जब मैं थाईलैंड पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पैसे दे दूंगा। वह कहता है तुम कहीं नहीं जा सकते हो जब तक मेरे पैसे नहीं दे देते, नहीं तो हम तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। इसके बाद तो उसके पास पावुत से भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। वह कहता है प्लीज मुझे एक चांस और दे दो अपने साथ खेलने का। पावुत उसे कहता है तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा मगर तुम अपोलोजाइज करो वानिता से घुटनों पर बैठकर। इसके बाद वह घुटनों पर बैठकर वानिता से माफी मांगता है। वानिता उसे माफ कर देती है। पावुत ये देखकर हैरान होता है। वानिता उसे थैंक्स बोलकर जाने लगती है। पावुत उसके पीछे जाता है, उससे कहता है तुमने इसको इतनी इजीली माफ क्यों कर दिया, उसने तुम्हें कितना बैडली ट्रीट किया था, क्या तुम्हें उस पर दया आ गई थी। वानिता कहती है नहीं मुझे तो खुद पर दया आ रही थी क्योंकि मैंने उससे उम्मीद की जिस तरह मैं उसे प्यार करती थी वह भी मुझसे वैसा ही प्यार करे, मैं बहुत ही सिली थी। इसके बाद पावुत उसे रोक कर अपना नाम बताता है क्योंकि अभी तक इन दोनों को एक दूसरे के नाम ही नहीं पता थे। वानिता भी उसे अपना नाम बताती है। पावुत उसे एक टोकन देता है जिससे वानिता उसे हमेशा याद रख सके। वानिता उसे उसकी रिंग लौटा रही होती है बट रिंग उसकी हाथों में फंस चुकी थी। रूस के लोग सोचते हैं ये न्यूली वेड कपल्स हैं। एक्चुअली ये सारी प्लानिंग केकाई के लिए करवाई थी पावुत ने। पावुत भी ऐसा प्रिटेंड करता है कि वानिता ही वह लड़की है जिसे वह प्रपोज करने वाला था
इसके बाद ये दोनों डांस करते हैं। वानिदा उसके शोल्डर पर ही सर रख कर सो रही होती है। वह उसे रूम में सुला देता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है, तुम्हारी जगह अगर केक आई होती तो सच में मैं बहुत ज्यादा खुश होता। नेक्स्ट सीन में हमें थाया को दिखाते हैं जो कि ऑर्फनेज के बच्चों के साथ था। वह उसी ऑर्फनेज में आया होता है जहाँ पहले वह रहता था। थाया थाईलैंड उसकी सिस्टर को ढूंढने के लिए आया हुआ था। वानिदा उठती है, टोकन को देख रही होती है। पावुत वानिदा के लिए ग्लासेस लेने आया होता है। वानिदा को जाते हुए देखकर उसके पास जाता है दौड़कर, उसे ग्लासेस दे रहा होता है बट कहता है, तुम बिना ग्लासेस के ही अच्छे लगते हो। वानिदा कहती है उसे आदत है। यहाँ पर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाएंगे। वानिदा उसे रिंग लौटा देती है। इसके बाद वानिदा इन दोनों से मिलती है, अंकल से कहती है, प्लीज आप इस बारे में किसी को मत बताइएगा, वैसे भी गलती मेरी ही थी जो गलत रूम में घुस गई थी। वह दोनों मान जाते हैं जिसके बाद ये दोनों अकेले में बात करते हैं। सोम कह रहा होता है, ना जाने वानिदा इस सब में कैसे फंस गई। अंकल सानो कहते हैं, लेकिन हमारा प्लान तो खराब हो गया ना। सोम अंकल सानो को बताता है, नहीं क्योंकि उसने मेमोरी कार्ड पहले ही निकाल लिया था। अंकल सानो कहते हैं, ये सब तो ठीक है लेकिन हम उससे नेगोशिएट कैसे करेंगे, हमारी वानिदा का चेहरा भी तो उस क्लिप में है। एंड परेशान हो जाते हैं। पावुत घर पहुंचता है और बैक डोर से जाने का सोच रहा होता है क्योंकि ग्रैंडमा उसे क्वेश्चंस करती, बट ग्रैंडमा उसे पकड़ लेती है जिसके बाद वह बताता है ग्रैंडमा को कि केक आई वहाँ आई ही नहीं थी। पावुत केक आई का साइड लेकर बोल रहा होता है, वह अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए गई है। ग्रैंडमा को तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह कहती है, वो तुम्हारे लव की बिल्कुल भी कद्र नहीं करती है। दादी इस बात से बहुत नाराज होकर चली जाती हैं। इस बारे में सोच रहा होता है, बात करता है केक आई से, उससे कहने लगता है अगर तुम नहीं आना चाहती वापस तो वह लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करेगा। केक आई कहती है, अगर ऐसा है तो मैं कल ही वापस आ जाऊंगी। जिस बात को सुनकर वह भी मान जाता है उसका वेट करने के लिए। देन वह रिंग को देखते हुए कहता है, ना जाने वो चार आंखों वाली लड़की क्या कर रही होगी। वानिदा को याद कर रहा होता है। यहाँ वानिदा के पास फैन का कॉल आता है एंड वह उसे बता देती है वार्ड के साथ उसका ब्रेकअप हो गया एंड इस बारे में वह बात नहीं करना चाहती है। यहाँ सोम को दिखाते हैं जो कि उसकी वाइफ के लैपटॉप में वो मेमोरी कार्ड फंसा कर क्लिप देख रहा होता है। अंकल कहते हैं, बट हम इसे कैसे यूज करेंगे। तभी यहाँ ये तीनों आ जाती हैं, वानिदा की दोनों सिस्टर एंड उसकी मॉम। ये दोनों बाप बेटे उनसे वीडियो छुपा रहे होते हैं। छुपाने के चक्कर में लैपटॉप पर पानी गिर जाता है जिसके बाद ये लोग लैपटॉप चेक करवाते हैं एंड इन्हें पता चलता है कि ये तो खराब हो गया, इसका डाटा रिकवर नहीं हो सकता है। मॉम कहती है, मैं वानिदा को कॉल करती हूँ, वह बैंकॉक ले जाएगी और ठीक करवा कर ले आएगी। बट ये दोनों मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है इसके अंदर क्या है। देन हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाते हैं। इन लोगों ने डाटा रिकवर करवा लिया था, इन क्लिप देख रहे होते हैं। सोम की वाइफ कहती है, वैसे क्लिप में इस लड़की का फेस ब्लर क्यों है। सोम कहता है, क्योंकि वह एक लड़की है इसलिए। उसकी मॉम कहती है, फिर ऐसा काम किया ही क्यों कि उसे अपनी शक्ल छुपानी पड़ रही है, खुद की बेटी के बारे में बोलने लगती है कि कैसी परवरिश दी है माँ बाप ने इसे। ये दोनों बहने भी वानिदा के बारे में ना जाने क्या क्या बोल रही होती है। यहाँ वानिदा को दिखाते हैं जिसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा होता। नेक्स्ट सीन में हमें दारिका को दिखाते हैं जो कि अपने बेटे कौन के साथ आई होती है। उसका बेटा कहता है, ग्रैंडमा का तो ठीक है लेकिन यहाँ पावुत है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। दारिका कहती है, लेकिन हमें ट्राई तो करना होगा ना। कंपनी के अंदर जाकर कहती है, मैं पावुत की मॉम हूँ एंड ये उसका छोटा भाई है, हमें पावुत से मिलना है। तभी यहाँ पावुत आ जाता है एंड इन लोगों को इग्नोर कर रहा होता है। वह उसके पीछे जाती है, कहती है, मेरा बेटा अब ग्रेजुएट हो चुका है तो वह कंपनी में काम करना चाहता है। कौन कहता है, हम भी इस फैमिली का पार्ट हैं। पावुत कहता है, तुम 5 साल पहले कहाँ थे जब कंपनी क्राइसिस में चल रही थी। नारिका कहती है, उस वक्त सिचुएशन अलग थी, मेरा बेटा ग्रेजुएट नहीं हुआ था। पावुत मान जाता है एंड उसे बहुत नीचे दर्जे की जॉब देता है क्योंकि उसके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं था। बाद ये दोनों भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं। पावुत से कहते हैं, हमारे टाउन पर विजिट करो तुम। पावुत उन्हें इग्नोर करके जा रहा होता है बट ये दोनों उसे सीडी दिखाते हैं, सिगरेट रिवील करने की धमकी देते हैं। पावुत कहता है, फोन पानी में गिर गया था। अंकल सानो कहते हैं, ठीक है तो हम ये मीडिया को दे देंगे। पावुत उन्हें रोक लेता है। अंकल सानो कहते हैं, ठीक है सीडी देखने के बाद मुझे कॉल करना। इसके बाद पावुत जल्दी से जाता है। ये दोनों भी उसका पीछा कर रहे होते हैं एंड उन्होंने थोड़ी बहुत कुछ बात सुनी भी होती है। पावुत अपने केबिन में नहीं जाकर चार्ट के केबिन में जाता है। वहां सीडी लगाकर
को देखता है एंड शॉक्ड हो जाता है। चार्ट भी हैरान हो जाता है देखकर, पूछता है ये वुमन कौन है। पावुद कहता है मुझे नहीं पता, वो मेरे रूम में कहां से आ गई, मुझे लगा केक आई थी। ये दोनों भी झांक कर देख रहे होते हैं। पावुद कहता है वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं इतने इजीली उन्हें जाने नहीं दूंगा। चार्ट से कहता है कॉल लगाओ परिनाया को, उससे मीटिंग फिक्स करो। चार्ट को वो डीवीडी दे देता है संभाल के रखने के लिए। चार्ट वो डीवीडी ड्रॉज में रख देता है, लॉक करता है बट चाबी नहीं निकालता। जिसके बाद ये दोनों जाते हैं उस कैबिन में। 10th सीन वानिदा पे शिफ्ट होता है, जो आज भी दूसरों का सामान कैरी किए हुई थी, सबको फूड सर्व कर रही होती है। उसे फूड की स्मेल से अजीब सा लगता है, वह वॉशरूम की तरफ भागती है। देन हमें दिखाते हैं पावुद को, जो कि यहाँ आया था परिनाया से मीटिंग के लिए। वानिदा यहीं पर काम कर रही होती है क्योंकि वो भी इसी लॉ फर्म में काम करती है। पावुद यहीं से निकलता है। मिस्टर परिनाया पावुद को कहते हैं अगर तुम उन पर केस करोगे तो मीडिया की नजरों में आ जाओगे, इससे बेहतर तुम्हें सबूत ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। पावुद उनकी बात से एग्री करता है। देन जब वो जा रहा होता है उसी वानिदा का नाम सुनाई देता है, वह देखने लगता है एंड वह वानिदा ही होती है। वानिदा की कॉलीग अपना काम उसे करने को दे रही होती है। पावुद कह रहा होता है उसे मना कर दो, बट वो तो हाँ बोल देती है। पावुद आकर कहता है मेरी वानिदा के साथ डेट है। वानिदा उसे देखकर हैरान हो जाती है। वह कहता है तुम्हारा वक्त मेरा है, उसे ले जाता है। उसे डांटता है किसी की भी मदद क्यों करती रहती हो। वह थैंक्स करती है बट उसे वॉमिटिंग होने लगती है, इसलिए वह वॉशरूम भाग जाती है। चार्ट कहता है कौन थी वो, आप उसकी बड़ी फिक्र कर रहे थे। पावुद उसे कुछ काम देकर वहाँ से भगा देता है। वानिदा को वॉशरूम में एक लेडी कहती है क्या तुम प्रेग्नेंट हो, क्योंकि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है। वानिदा हैरान होकर प्रेगनेंसी के साइन पढ़ने लगती है। पावुद वेट कर रहा था, वो लेडी बात करते हुए जाती है वॉशरूम में, जो लड़की थी शायद वो प्रेग्नेंट है बट उसे पता ही नहीं। पावुद घबरा जाता है, वानिदा से उसकी तबीयत पूछता है। वानिदा कहती है शायद मुझे फूड पॉइजनिंग हुई है। पावुद ये सुन के रिलैक्स हो जाता है। वानिदा को घर ड्रॉप करने के लिए कहता है, वह कहती है मैं ऑर्फनेज जा रही हूँ। पावुद उसका फोन मांगता है, फोन लेकर अपना नंबर उसके फोन में सेव कर देता है। कहता है तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो, कुछ भी हो। ताया बच्चों के साथ होता है, बच्चे वानिदा की बात कर रहे होते हैं। देन वो थाया से हाइड एंड सीख खेलने के लिए कहते हैं। थाया ऑर्फनेज के चर्च में छिप जाता है। वानिदा चर्च में आती है गॉड से कन्फेशन करने के लिए। थाया उसकी बात सुन रहा होता है, वो अपनी स्टोरी बताती है एंड कहती है वह सिक फील कर रही है। थाया उससे कहता है तुम्हें अपना शक दूर कर लेना चाहिए। वानिदा उसे थैंक्स बोलती है। जब जा रही होती है थाया उससे कहता है अगर तुम्हें एम्बैरेसमेंट हो तो मास्क पहन कर चली जाना। वानिदा वहाँ से चली जाती है। बच्चे आकर कहते हैं आपने सिस्टर वानिदा को रोका क्यों नहीं, वो हमें ज्वाइन कर लेती। हया कहता है वो लड़की वानिदा थी। वानिदा को दिखाते हैं जो मास्क के साथ साथ रेनकोट एंड हेलमेट भी पहनकर जाती है टेस्ट किट खरीदने। शॉप में बैठा पर्सन न्यूज देख रहा होता है, न्यूज में हेलमेट वाले रॉबर के बारे में देख रहा होता है। वानिदा को देखकर डर जाता है, उसे फ्री में ही सामान दे देता है। उसे जाता देख पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। वानिदा वॉशरूम में होती है, पुलिस को बताता है कि वो रॉबर वॉशरूम में छुपा हुआ है। वानिदा रिजल्ट का वेट कर रही होती है। पुलिस एंड मीडिया बाहर ही होते हैं। न्यूज का लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है, जो पावुद भी देख रहा होता है। वानिदा को शोर सुनाई देता है, तभी पुलिस अचानक से डोर खोल देती है एंड वो टेस्ट किट फेंका जाता है। ऑफिसर उसे उठा लेता है। सभी लोग रिजल्ट देख रहे होते हैं। वानिदा हैरान परेशान खड़ी होती है। सभी एक साथ कहते हैं तुम प्रेग्नेंट हो। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पावुद खुद को काम डाउन करता है एंड चार्ट के पास कॉल लगाता है। क्या मॉम को दिखाते हैं जो कि एंटीना ठीक कर रही होती है टीवी का। टीवी पर वही न्यूज चल रही होती है। वानिदा का चेहरा देखने से पहले ही सिग्नल चला जाता है। वानिदा की बड़ी बहन उन्हें एक लेटर देती है जो वानिदा के लिए आया था। वानिदा फैन के साथ होती है और रो रही होती है। मॉम का कॉल आता है, वानिदा घबरा जाती है। मॉम उसे डांटती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी कॉल कट जाता है सिग्नल वीक होने की वजह से, वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती। पीए पावुद को तसल्ली दे रहा होता है। पावुद कहता है अभी हमें वीडियो डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचना चाहिए। पीए कहता है हम कल ही सानू के पास चलेंगे उससे मिलने। नेक्स्ट डे वानिदा एंड पावुद दोनों टाउन जाने के लिए आए होते हैं बट एक दूसरे को नहीं देख पाते। दादी से मिलने आया होता है। दादी उसे बचपन से जानती है क्योंकि
आया ऑर्फन था, वो कहती है अगर मैंने विलियम को तुम्हें अडॉप्ट नहीं करने दिया होता तो आज तुम मेरे पोते होते। ये दोनों आते हैं, कहते हैं हमें आपको कुछ दिखाना है एंड वो वीडियो चला देते हैं। दादी गुस्से में होती है लेकिन कहती है पावुत ऐसा नहीं कर सकता, ये जरूर फेक वीडियो होगा। यहाँ मॉम कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वानिता कहती है अगर न्यूज पे नहीं आता तो मैं आपको नहीं बताती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मॉम शॉक्ड हो जाती है। वानिता कहती है आपने मुझे यहाँ बुलाया था। मॉम कहती है मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था क्योंकि बैंक से नोटिस आया था तुमने क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं किया। ये सब क्या है, चलो मेरे साथ सब एक्सप्लेन करना मुझे, उसे मारते हुए ले जाती है। यहाँ बाबूत पहुँच जाता है, उनसे कहता है मुझे मेमोरी कार्ड दे दो अदरवाइज मैं फैक्ट्री सानिसो को सेल कर दूंगा। यहाँ मैं आपको बता दूँ सानिसो कोई माफिया है। बाबूत कह रहा होता है फिर सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। सोम उसे वार्न करता है वो वीडियो अपलोड कर देगा इंटरनेट पर। उसे कॉल आता है उसकी वाइफ का, वो बताती है मॉम वानिया को बहुत मार रही है, उसे बचा लो मॉम के गुस्से से, सब कुछ बता देती है। सोम कहता है डैड वानिया प्रेग्नेंट है। अंकल सानो कहते हैं तुम कहीं मत जाना मैं अभी आया। मॉम कहती है कौन है बेबी का फादर। वह कहती है सब मेरी ही गलती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। मॉम उसे मारने लगती है। ये दोनों भी यहाँ आ जाते हैं पता पूछते हुए। सोम कहता है मतलब वानिया सच में प्रेग्नेंट है। पावुत ये सब सुन लेता है। मॉम उसे कह रही होती है तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। दोनों सिस्टर्स मॉम को रोकने की कोशिश कर रही होती हैं। अंकल सानो कहते हैं मुझे ही उसे समझाना होगा। उन्हें हटाकर पावुत जाने लगता है, कहता है मैं हूँ बेबी का फादर। वानिया डिनाय करती है। पावुत कहता है वो जिम्मेदारी लेगा। मॉम उसे ही मारने लगती है। पावुत बताता है उसे नहीं पता था वानिया प्रेग्नेंट है। मॉम कहती है तुम्हारी फैमिली को भी नहीं पता होगा, उससे उसकी फैमिली को कॉल करवा रही होती है। दादी के पास पावुत का कॉल आता है। मॉम पावुत से फोन छीन लेती है, दादी को सब बता देती है। वह कहती है बेबी अगर पावुत का है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वे लेंगी। धारिका नाटक करने लगती है, कहती है आप इन सब से कैसे डील करेंगी। ग्रैंडमा कहती है खुश होते हुए उन्हें तो गिफ्ट मिला है गॉड की तरफ से, उनके परिवार का वारिस। धारिका कहती है उस लड़की के बैकग्राउंड का हमें कुछ नहीं पता एंड इस बात की क्या गारंटी है कि वो बेबी पावुत का ही है। दादी कुछ नहीं कहती। मॉम पावुत को स्टोर रूम में ले आती है, उसे लॉक कर देती है ताकि वो कहीं भाग ना जाए। वह गुस्सा कर रहा होता है। चार्ट पूछता है प्रेसिडेंट कहाँ पर है। मॉम कहती है वो स्टोर रूम में है। जब वो कहता है मैं भी जाऊंगा तो मॉम उसे मना कर देती है। मॉम वानिता को देखती है और उससे कहती है वो मरा नहीं है। ठीक है कम से कम उसने एडमिट तो कर लिया कि वही बेबी का फादर है, तुम्हें आराम करना चाहिए। मॉम चली जाती है। मॉम के जाते ही वह चाबियां ले लेती है एंड स्टोर रूम पहुंच जाती है। पावुत छिपा हुआ था, उसे लगता है वानिदा की मॉम है और पकड़ लेता है उन्हें, बट वो तो वानिदा थी। मॉम उन दोनों को लॉक कर देती है। वानिदा के हाथ में चाबी देखकर कहती है तुम आज यहीं रहोगी। वानिदा उसके लिए कुछ खाने को लाई थी। वह गुस्से में होता है, वह ट्राई करने को कहती है, वह पूरा फिनिश कर देता है। वानिदा बताती है पावुत को उसे बचपन में आर्ट में इंटरेस्ट था, उसे अपना वर्क भी दिखाती हूँ उसने बचपन में बनाया था। पावुत को वहाँ एक बॉक्स दिखता है, वह नहीं चाहती पावुत उसे देखे, उसे लेने की कोशिश कर रही होती है। ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। उस बॉक्स में वानिदा ने अपनी विशेष लिखकर रखी होती हैं। पावुत उसे पढ़ने लगता है, वह नहीं चाहती पढ़े। पावुत उसे टीज करने लगता है, उसकी एक विश ये भी होती है उसे ट्रू लव मिले। पावुत केकाई के बारे में बताने लगता है, वह अपने ड्रीम्स को पाने के लिए कितने एफर्ट्स कर रही है। पावुत उसे साफ साफ कह देता है वो बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेगा मगर उसे शादी नहीं कर सकता है। वह उससे कहती है उसे पता है एंड उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई जरूरत नहीं है। वह कहता है तुम इस बच्चे को अबॉर्ट कराने की तो नहीं सोच रही हो। वानिदा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। पावुत उसे कहता है जब तक बेबी नहीं हो जाता वह उसका ख्याल रखेगा। वह उससे रेस्ट करने को कह रहा होता है, इवन अपना ब्लैंकेट भी उसे दे देता है मच्छरों से बचने के लिए, चुपचाप सोने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में वह अचानक उठ जाता है वानिदा को आसपास नहीं देखकर। वह सोचता है वानिदा अबॉर्शन के लिए तो नहीं चली गई। वानिदा को हॉस्पिटल के बाहर दिखाते हैं। पावुत भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है, वानिदा के रूम के बारे में पूछता है। रूम में पहुंचकर कहता है बीबी को हर्ट मत करना, बट वानिदा तो यहाँ चेकअप के लिए आई थी। पावुत बेबी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। डॉक्टर उसे वानिदा का
का ख्याल रखने के लिए कहती है। यहाँ फैक्ट्री के सभी लोगों को पता चल जाता है वानिदा एंड पावुत के बारे में। ये दोनों वापस आ रहे होते हैं। वानिदा उससे कहती है उसे बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है, वह अकेले ही बेबी को बड़ा करेगी। लेकिन पीछे से दादी मना कर देती है। दादी कहती है ये बेबी उनकी फैमिली का वारिस है, वह उन्हीं के साथ रहेगा। नन पावुत कहने लगता है बेबी होने के बाद हम बेबी ले लेंगे एंड आप लोगों को पैसे दे देंगे। मॉम गुस्सा करने लगती है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। दादी पावुत एंड वानिदा की शादी कराने की बात कर रही होती है। पावुत मना कर रहा होता है। इन लोगों को बाहर से शोर सुनाई देता है। फैक्ट्री के सभी वर्कर्स लोग वानिदा से बात करने आए होते हैं। वो सभी जॉबलेस होना नहीं चाहते थे, इसलिए वो सभी वानिदा से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं ताकि वो पावुत को मनाए। दादी कहती है वानिदा अगर मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लेगी तो वह फैक्ट्री के वर्कर्स लोगों को नहीं निकालेगी। मॉम कहती है आपका पोता मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाहता है तो मैं भी ऐसा नहीं होने दूंगी। दादी कहती है वो पावुत से बात करना चाहती हैं, उसे समझाती है तुम्हें पता है बेबी के लिए मॉम कितनी इम्पोर्टेंट है, ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से समझते हो। अगर हमें बेबी मिल भी गया तो मैं बेबी का कब तक ख्याल रख पाऊंगी। यहाँ वानिदा की बहन भी उसे समझा रही होती है बेबी के लिए फादर बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होते हैं। पावुत वानिदा से बात करता है, वह कहता है वह उससे शादी तो करेगा बट उसे कभी लव नहीं कर पाएगा क्योंकि वह केकाई को ही लव करता है। वह मान जाती है, देन दोनों शादी रजिस्टर कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में वानिदा वेडिंग के लिए रेडी हो रही होती है। पावुत केकाई को सब कुछ बताने के लिए कॉल करता है। केकाई बताती है उसकी कल परफॉर्मेंस है, वह बहुत एक्साइटेड है। पावुत उसे बता नहीं पाता। वानिदा आ जाती है, पावुत उसे देखता ही रह जाता है, वह बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। देन सेरेमनी स्टार्ट होती है, सभी लोग इन्हें ब्लेसिंग्स देते हैं। दादी जाते वक्त कहती है तुम 2 दिनों बाद आ जाना, तब तक मैं वहाँ पर जाकर तुम्हारा रूम रेडी कराती हूँ और सभी प्रिपरेशंस करती हूँ। वानिदा पावुत को उसके साथ सी ऑफ करने जा रही होती है। जाते वक्त टचके लग रहे होते हैं, वह इधर उधर गिर रही होती है। पावुत उसे गोदी में बैठाल कर कहता है मुझे बेबी की चिंता हो रही है और कुछ मत सोचना। टचको में पावुत भी इधर उधर हो रहा होता है, ये दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। देन पावुत को मैं घर पर दिखाते हैं। अंकल सानो ने उसे कुछ गिफ्ट दिया था, चार्ट उस गिफ्ट को देख रहा होता है। उस गिफ्ट में वही ड्रग्स होता है जो पावुत को उन्होंने दिया था शिप पर, एंड उसे याद आ जाता है रूम में जाने से पहले उसने वही पिया था। इसके बाद पावुत को लगता है ये सब उन लोगों की प्लानिंग थी एंड वानिदा भी इसमें इन्वॉल्व थी। देन वह परिनाया को कॉल करके डिवोर्स के बारे में बात करता है। पावुत वानिदा के पास कॉल करता है, वह उसका कॉल देखकर खुश हो जाती है। पावुत उसे कहता है कल तुम ऑफिस जाओगी मेरे घर आने से पहले एंड डॉक्यूमेंट्स ले आना जो परिनाया तुम्हें देंगे। नेक्स्ट डे वानिदा ऑफिस जाती है। सभी लोगों को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया था, उसे दिलासा दे रहे होते हैं क्योंकि उनको लग रहा होता है ये वॉट का बेबी है, बट वह कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी बात पर कोई बिलीव नहीं करता। फैन उसके लिए काफी खुश होती है। देन वह मिस्टर परिनाया से मिलने जाती है, वह उसे डॉक्यूमेंट देते हैं, साथ में ये भी कहते हैं अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए हो तो मुझसे जरूर बोलना। वानिदा वहाँ से चली जाती है। मिस्टर परिनाया के पास कॉल करके पूछता है पावुत, वह कहते हैं हाँ वानिदा आई थी एंड डॉक्यूमेंट्स ले गई। देन पावुत चार्ट से बात करता है, वह फैक्ट्री सेल कर देगा सानिसो को। सानिसो बॉस होता है गार्बेज रिसाइलिंग प्लांट का। चार्ट पावुत को ऐसा करने के लिए मना कर रहा होता है क्योंकि अगर सानिसो आइलैंड पर गार्बेज बर्न करेगा तो वहाँ की विलेजर्स के लिए अच्छा नहीं होगा। पावुत अभी बहुत गुस्से में होता है, वह कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वानिदा को दिखाते हैं जो कि वेट कर रही होती है पावुत का ताकि वह उसे लेने आए। उसे कॉल करती है, पावुत कहता है वह बिजी है तुम टैक्सी लेकर आ जाओ। वानिदा जैसे तैसे करके जा रही होती है बट इतना सारा सामान होने की वजह से वह टकरा जाती है एंड जिस टैक्सी से वह टकराती है वो थाया की होती है। थाया उसे देखकर पहचान जाता है। उसकी हेल्प करते वक्त उसे वो डॉक्यूमेंट्स दिख जाते हैं डिवोर्स वाले। वह वानिदा से उसकी मैरिज के बारे में पूछता है। वानिदा को लगता है उसकी रिंग देख के उसे ऐसा लगा, वह उसे डिवोर्स पेपर्स के बारे में कुछ नहीं बोलता। देन उसे कहता है वह उसे छोड़ देगा। ये लोग घर के बाहर पहुँचते हैं। थाया को तो पता होता है ये किसका घर है। वह उसे पूछता है यहाँ पे रहता है तुम्हारा हस्बैंड? वानिदा कहती है हाँ। थाया उसे कुछ नहीं कहता, उसकी बस हेल्प कर देता है। वानिदा उसे थैंक्स कहती है। थाया उसे कहता है किसी को भी तुम्हारा एडवांटेज मत लेने देना, अगर तुम अपसेट हो तो मुझे कॉल कर सकती हो कभी भी। उसे अपना नंबर देकर जाता है। वानिदा घर में पहुंचती है, सबसे पहले उसकी मुलाकात दारिका से होती है जो कि उसे अपना सामान दे देती है। ये दोनों अंदर पहुंचती है। दादी वानिदा से कहती है आ गई तुम,
तारिका को लग रहा होता है ये कोई मेड है। दादी उसे बताती है ये पावुद की वाइफ है। तारिका के होश उड़ जाते हैं। दादी वानिदा को उसका रूम दिखाकर वहीं छोड़ देती हैं। रूम में केक आई का ही सामान होता है, उसकी पिक्चर्स होती हैं। ये दोनों वानिदा के पास आते हैं। तारिका उसे अपने बेटे से मिलवाती है और उससे काफी अच्छे से बात करती है। कौन काफी सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि उससे इतनी इज्जत के साथ कोई बात नहीं करता है घर में। तारिका बता रही होती है तुम मुझे मॉम बुला सकती हो। तभी यहाँ पावुद आ जाता है, इन लोगों को भगा देता है वहाँ से। पावुद वानिदा से कुछ नहीं कहता, वो बहुत गुस्से में होता है। वानिदा वो डॉक्यूमेंट्स निकाल कर पावुद को देने के लिए आई होती है, बट गलती से उसे रिमोट का बटन दब जाता है जिससे केकाई और पावुद का वीडियो चलने लगता है। जैसे ही यहाँ पावुद आता है वह ये देखकर काफी गुस्सा करने लगता है, उससे पेपर्स खोलने को बोलता है। वानिदा पेपर्स देखकर हैरान हो जाती है। वानिदा हैरानी से पावुद को देख रही होती है। पावुद कहता है एग्रीमेंट के मुताबिक बेबी होने के बाद बेबी तुम हमें दे दोगी तभी हमारा डिवोर्स भी हो जाएगा। एलिमनी के तौर पर मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा। वानिदा सबसे पहले 5 मिलियन वाली कंडीशन को काट देती है, देन साइन करती है। साइन करके वह पावुद को दे देती है। पावुद देख रहा होता है डॉक्यूमेंट, उसे कुछ समझ में नहीं आता। इन दोनों को दिखाते हैं। दारिका को बिलीव नहीं हो रहा होता कि पावुद की वाइफ वानिदा है। यहाँ वानिदा को दिखाते हैं जो कि सोफे पर सोने की तैयारी कर रही थी। पावुद आकर उससे पूछता है, वो उसको बताती है। पावुद कहता है नहीं तुम यहाँ नहीं सोगी, बेड पर सोगी। वानिदा कहती नहीं उसे आदत है, वो आराम से सो सकती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं पावुद बैठा होता है एंड सोच रहा होता है मुझे अलग गिल्टी फील क्यों हो रहा है। यहाँ वानिदा को नींद नहीं आ रही होती, वह किचन में जाती है कुछ खाने के लिए। तभी पावुद आ जाता है एंड उसको फूड प्रिपेयर करके देता है। वानिदा बहुत मजे से खा रही होती है एंड उसे थैंक्स भी बोलती है। नेक्स्ट डे वानिदा के पास उसकी मॉम का फोन आता है जो कि उसका हालचाल पूछ रही थी। वानिदा अपना दुख छुपाते हुए उनसे कहती है सब ठीक है एंड ये सारी बातें दादी सुन रही थी। नेक्स्ट सीन में दादी पूछ रही होती है पावुद से तुम्हारी वाइफ कहाँ है, वो कहता है मुझे नहीं पता। तभी यहाँ वानिदा आती है। दादी उससे कहती है तुम क्यों सर्व कर रही हो, इतने सारे सर्वेंट है यहाँ पर। पावुद भी उससे कहता है तुम्हें बेबी का ख्याल रखना चाहिए। पावुद जा रहा होता है, दादी उसे रोक कर कहती है आज तुम्हारा वानिदा के साथ फर्स्ट डे है मैरिज के बाद, तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। पावुद कह रहा होता है उसके पास बहुत सारा काम है। दादी उसे स्ट्रिक्टली मना करती है, साथ ही उन्होंने उन दोनों का रजिस्ट्रेशन क्लास के लिए भी कराया था। सो पावुद से कहती है वानिदा को लेकर जाने के लिए। एक सीन में हमें इन्हें क्लास में दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पर भी काम ही कर रहा होता है। इंस्ट्रक्टर उसे ऐसा करने को मना करती है। देन ये साथ में अजीबोगरीब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट उसे ब्रेस्ट मसाज करनी दी जो कि वो दोनों ही नहीं करना चाह रहे थे, बट इंस्ट्रक्टर उन्हें फोर्स कर रही होती है। वानिदा प्रिटेंड करती है कि उसे वॉमिट आ रही है एंड वहाँ से भाग जाती है। पावुद आकर देखता है वानिदा को जो कि बाहर बैठी थी। पावुद कहता है तुम क्लास में क्यों नहीं आई वापस, हमने इस क्लास के लिए पे किया है। वानिदा उसे हैरानी से देख रही होती है। देन पावुद भी सच कहता है मुझे भी नहीं जाना उस वियर्ड क्लास में। तभी वानिदा को अजीब सा महसूस होता है। पावुद उसकी बहुत ज्यादा फिक्र करने लगता है। वानिदा उसे कहती है कुछ नहीं है बस उसे भूख लगी है। पावुद उसे पैसे दे रहा होता है ताकि वह कुछ खा ले, बट वानिदा मना कर चली जाती है। देन वह यहाँ पर आकर नूडल्स खाती है। ऑर्फनेज में आती है, यहाँ उसे थाया मिलता है। सभी बच्चे पेंटिंग कर रहे थे, थाया उसे ज्वाइन करने के लिए कहता है। वानिदा पिक्चर में फैमिली फोटो बनाती है उसका, पावुद का, इन बेबी का। थाया ने भी उसकी सिस्टर के साथ पेंटिंग बनाई थी। वह उसे पूछती है, थाया उसे बताता है जब वह छोटा था उसकी सिस्टर उसके लिए आइसक्रीम लेने गई थी, उसने उसका बहुत इंतजार किया पर वह वापस लौट कर नहीं आई। वानिदा उसे काफी सारा होप देती है कि तुम्हें तुम्हारी सिस्टर मिल जाएगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं पावुद मीटिंग करने आया होता है सानी सो से। सानी सो पावुद से कहता है वो उस प्लेस पर मर्क्यूरी वेस्ट डालेगा। पावुद पहले तो हैरान होता है, देन उससे कहता है तुमने तो मुझसे कुछ और ही कहा था। सानी सो कहता है नहीं। पावुद कहता है मर्क्यूरी बहुत ही जहरीला है और उस आइलैंड के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सानी सो कहता है तो क्या हुआ, तुम तो वहाँ के लोगों से नफरत करते हो ना, वहाँ से चला जाता है। ये कहता है हमने क्यों उस गैंगस्टर से पंगा ले लिया, हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था इन सभी चीजों में। कौन कहता है हाँ एंड ये हमारी फैमिली के लिए भी खतरे वाली बात है अगर हमने उसकी डील को मना किया तो। इनमें हमें दिखाते हैं पावुद घर के बाहर खड़ा होता है। तभी वो वानिदा को आते हुए देखता है, वहीं छुप जाता है। वानिदा आ रही होती है धाया से बात करते हुए। पावुद कहता है वानिदा से हम यहाँ पर 7 बजे मिलने वाले थे ना, देखो तुम 5 मिनट्स लेट हो, इतनी लेट क्यों आई। वानिदा उसे सॉरी कहती है, बताती है वो ऑर्फनेज गई थी। देन प्रीस्ट से
से मिल गई। वो थाया को चर्च का प्रीस्ट एंड फादर समझ रही होती है एंड एक दूसरे को इंट्रोड्यूस भी कराती है। थाया पावुस से कहता है, तुम वही हो ना जिसने मैरिज के फर्स्ट डे ही उसकी वाइफ को डिवोर्स पेपर्स दिए। पावुस उसे गुस्से से घूरते हुए वानिदा से कहता है, तुमने इसे हमारे पर्सनल मैटर के बारे में क्यों बताया। थाया उसे रिप्लाई करता है, उसने पर्पसली ऐसा कुछ नहीं किया, वो वहाँ पे कन्फेस करने गई थी इसलिए मुझे ये सब पता है। पावुस उसे गुस्से से कहता है, तुम प्रीस्ट हो चाहे कोई भी हो, बहुत लेट हो चुका है, तुम्हें इसके साथ नहीं रहना चाहिए अकेले। थाया कहता है, क्या तुम जेलस हो। पावुस कहता है, जेलस कौन यहाँ जेलस है, मैं तो बस सच बोल रहा था। तुम प्रीस्ट हो ना तो तुम्हें चर्च में रहना चाहिए, तुम्हारा काम नहीं है लोगों को घर छोड़ने आना। वानिदा को अपने साथ ले जा रहा होता है। थाया अभी भी कहता है, तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो, मैं यहाँ पे तुरंत आ जाऊंगा। वानिदा भी हाँ बोल रही होती है। पावुस उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, तभी थाया आकर उसे रोक देता है, उसे वानिदा का बैग देता है। पावुस बैग लेकर वानिदा से कहता है, इतना हल्का सा तो बैग है, तुम खुद कैरी नहीं कर सकती थी क्या। वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अंदर आकर कहता है, वो प्रीस्ट है, तुम उसे कैसे जानती हो, तुम तो क्रिश्चियन नहीं हो ना। वानिदा उसे बताती है, वो ऑर्फनेज में मिली थी उससे। पावुस उसे वार्न करता है, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, किसी भी लड़के के साथ हैंग आउट नहीं कर सकते हो, चाहे वो एंजल हो या प्रीस्ट। ये सब कहकर चला जाता है। अंदर आकर आग बबूला हो रहा होता है। कहता है, कैसा बेशर्म लड़का है, दूसरों की वाइफ को कॉल करने के लिए बोलता है, वो भी उनके हस्बैंड के सामने। वानिदा उसका गुस्सा देखकर उसे डर रही होती है। पावुस उसे गुस्से से कहता है, जाओ तुम शावर लो। वो चली जाती है, तभी उसके पास केकाई का कॉल आता है। वो बोल रही होती है कि तुमने मुझे काफी दिनों से कॉल नहीं किया। पावुस उसे बताता है वो बिजी था। तभी उसे आवाज आती है वानिदा के चिल्लाने की। केकाई से कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, एंड चला जाता है। केकाई सोच रही होती है, ऐसा पहली बार हुआ है कि पावुस ने मेरा कॉल कट किया हो। यहाँ पावुस वॉशरूम में पहुंचता है, वानिदा गिर गई थी। पावुस उसे उठाता है, उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो, एंड उसकी फिक्र करने लगता है। इन दोनों काफी क्लोज भी आ जाते हैं। देन वानिदा बाल सुखाते हुए पावुस के साथ अभी हुए मूवमेंट के बारे में ही सोच रही थी। पावुस को जाता देख उसे थैंक्स कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। पावुस उसे कुछ नहीं कहता। वानिदा बाहर आती है, सोफे पे पावुस ने कब्जा किया हुआ था। वानिदा उससे बोल रही होती है सोफा देने के लिए। पावुस उसे कहता है, नहीं वो यहाँ पर बैठकर काम कर रहा है, तुम जाकर बेड पर आराम से सो जाओ। उसके जाने के बाद वो स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि वो जानबूझकर यहाँ वर्क लेकर बैठा था ताकि वानिदा आराम से बिना कुछ एक्सक्यूज किए बेड पर सो जाए। देन नेक्स्ट मॉर्निंग पावुस अपना फोन लेने आता है, वानिदा को सोते हुए देखता है, देन उसकी फोटो क्लिक करने लगता है, साथ में सेल्फीज भी ले रहा होता है। वानिदा नींद में उसके क्लोज भी आ जाती है, बट पावुस उसे दूर करके वहाँ से स्माइल करता हुआ चला जाता है। जब वो नीचे आता है, तारिका वानिदा का पूछ रही होती है। पावुस कह रहा होता है, यहाँ इतने सारे सर्वेंट्स है, वानिदा की क्या जरूरत, वो आराम कर रही है। यहाँ पे दादी आती है, तभी वानिदा भी आती है। दादी वानिदा से कहती है, तुम खुश रहोगी तो बेबी भी खुश रहेगा, अगर तुम तुम्हारी मॉम के पास विजिट करना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। कौन ये सब सुन रहा था, कुछ सोच कर ब्रेकफास्ट के लिए आता है। पावुस से सानिसु के बारे में जिक्र करता है। पावुस उसे गुस्से में कहता है बिजनेस की बात यहाँ पर नहीं करने के लिए, एक्सक्यूज करके जाने लगता है। दादी उससे कह रही होती है वानिदा के साथ क्लास अटेंड करने के लिए। पावुस कहता है, नहीं उसके पास काम है। दादी कहती है, क्या तुम्हारा वर्क बेबी से इम्पोर्टेंट है। वो दादी से सॉरी कहता है, साथ में कौन को भी आवाज लगाता है। कौन से कहता है, सानिसो के सेक्रेटरी को कॉल करके कह दो हम ये डील कैंसिल कर रहे हैं। कौन कहता है, बट ऐसा करेंगे तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। पावुस कहता है, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, वहाँ से चला जाता है। कौन कहता है, क्या भाई ये सब वानिदा की वजह से कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें वानिदा को क्लास में दिखाते हैं, पावुस यहाँ पर नहीं आया होता। इंस्ट्रक्टर उससे पूछ रही होती है पावुस के बारे में। वानिदा कहती है उन्हें काम था, तभी यहाँ पावुस आ जाता है एंड ये दोनों साथ में मिलकर बेबी के लिए क्लॉथ्स बनाते हैं। वो इंस्ट्रक्टर इन दोनों का साथ में फोटो क्लिक करके दादी के पास भी सेंड कर देती हैं। क्लास के बाद वानिदा बहुत खुश होती है। जब ये लोग जा रहे होते हैं, अभी कोई पावुस को आवाज लगाता है। ये केकाई की फ्रेंड थी जो कि पावुस के बारे में पूछ रही होती है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है। पावुस कुछ आंसर नहीं कर रहा होता। वानिदा कहती है, हम यहाँ एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आए थे। वानिदा खुद को पावुस का एम्प्लॉय बताते हुए एक्सक्यूज करके चली जाती है। वानिदा के पास उसकी मॉम का कॉल आता है, जो कि वानिदा से कह रही होती है, पावुस के साथ तुम कल आ जाना वेडिंग अटेंड करने के लिए, उनकी किसी फ्रेंड के बेटी की शादी थी। वानिदा कहती है, पावुस बिजी है, वो नहीं आ सकता है। मॉम कहती है, वो क्या इतना बिजी है जो अपनी मदर इन लॉ से मिले नहीं आ सकता है। वानिदा बात को टाल देती है। उसके पास फैन का कॉल आता है, वह उसके पास जाती है। फैन दुखी थी, उसका ब्रेकअप हो गया था, वो रो रही होती है। एंड इधर पावुस वानिदा के पास कॉल कर रहा होता है, बट वो कॉल पिक नहीं करती।
क्योंकि फैन को कंसोल कर रही थी। यहाँ पावुत का मीटिंग में ध्यान नहीं होता, वो वानिता के बारे में ही सोच रहा होता है क्योंकि कॉल पिक नहीं कर रही थी। इवन प्रेजेंटेशन के स्नेल में भी उसे वानिता का चेहरा ही दिख रहा होता है। उसे देख कर स्माइल करने लगता है, उसके बारे में सोचते हुए कहता है वह घर पर नहीं है, फोन भी पिक नहीं कर रही है। टाट आकर उसके पास उसकी बात सुनने लगता है। पावुत का तो ध्यान वानिता में होता है, स्नेल ने कुछ खाया होगा कि नहीं, उसे अजीब सा तो फील नहीं हो रहा होगा ना। अब चार्ट सोच रहा होता है पावुत स्नेल के बारे में बात कर रहा है। देन सभी से पूछने लगता है तुमको पता है क्या स्नेल खाती क्या है। मीटिंग में इसी बात की चर्चा होने लगती है, प्रेसिडेंट जानना चाहते हैं स्नेल क्या खाती है। जब पावुत का ध्यान जाता है मीटिंग में इतनी हलचल हो रही है, पावुत चिल्लाकर कहता है कौन सी स्नेल, क्या स्नेल। चार्ट कहता है आपने तो पूछा था अभी। पावुत कहता है प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करो। एंड चार्ट को भी कुछ समझ नहीं आता। नेक्स्ट सीन में घर पहुंचकर वो सबसे पहले वानिता का पूछता है। वानिता रूम में सो रही होती है, वो उसका सामान देखता है, उसने काफी सारी बुक्स लेकर आई थी प्रेगनेंसी रिलेटेड। अब वो सारा सामान देख रहा होता है। नींद में वानिता उसके पास आ जाती है, वो स्माइल करता है, देन उसे कैरी करके बेड तक ले आता है ताकि वह कंफर्टेबली सो जाए। पावुत धीरे धीरे चेंज हो रहा था, वानिता के क्लोज भी जा रहा होता है, बट कुछ सोच कर रुक जाता है। बाहर आकर वही बुक्स पढ़ने लगता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वानिता उठती है, सबसे पहले अपना फोन चेक करती है। मॉम के काफी सारे मिस्ड कॉल थे, उसे वेडिंग में पहुंचना था जहाँ वह लेट हो गई थी। वो वेन्यू पर पहुंचती है एंड वहां पर जाकर सरप्राइज्ड हो जाती है क्योंकि पावुत यहाँ पहले से था और बहुत एंजॉय कर रहा होता है। वानिता भी खुश हो जाती है उसे इस तरह देखकर। मॉम उसे डांटती है पावुत यहाँ जल्दी आ गया, तुम नहीं आई। पावुत वानिता से कहता है हाँ तुम लेट क्यों आई, तुमने मुझे बताया भी नहीं। अच्छा वो तो मॉम ने मुझे इन्वाइट कर दिया, तुम क्या चाहती थी मॉम मुझे हिट करें। मॉम कहती है चलो तुम दोनों किसी की वेडिंग में आर्ग्यू मत करो, उन दोनों को साथ में गाने के लिए कहती है। पावुत स्टेज पे पहुंच जाता है एंड ये दोनों काफी मस्ती करते हैं यहाँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं सभी लोग पावुत की तारीफ कर रहे होते हैं, दैट वो इतनी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है, बट उसमें बिल्कुल घमंड नहीं है। वानिता की मॉम को भी ये बात बहुत अच्छी लग रही होती है, वो पावुत से कहती हैं तुम मुझे मॉम ही बुलाया करो एंड वानिता का ख्याल रखना। जाने से पहले उसे हक करके जाती है जो पावुत को बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों फिर डिनर के लिए आते हैं। यहाँ पावुत आज बहुत खुश होता है, कह रहा होता है वो हमारी मॉम है एंड हम एक फैमिली है। तभी उसके पास कॉल आता है चार्ट का, जो कि उसे बताता है सानिसो से मीटिंग है, वो डील कैंसिल करना नहीं चाहता है। नेक्स्ट सीन में पहुंचता है पावुत मीटिंग के लिए, सानिसो को मना कर देता है, वो ये डील नहीं करने वाला है। कौन यहाँ इनकी बातें छुपकर सुन रहा था। सानिसो कहते हैं हमारा डील फाइनल होने ही वाला था, इससे मेरी रेपुटेशन का क्या होगा। पावुत कहता है वैसे भी हमारी डील साइन तो नहीं हुई थी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट सानिसो तो गन निकाल लेता है, गन देखकर चार्ट पावुत को कवर कर लेता है। पावुत उसे सामने से हटाता है। सानिसो कहता है तुम मेरे अगेंस्ट जाना चाहते हो, उसे धमकी देता है हम देख लेंगे और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद भी ये कहता है बॉस आप तो बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो, बट पावुत खुद को रिलैक्स करता है, उसने अपने डर को होल्ड करके रखा हुआ था एंड राहत की सांस ले रहा होता है। की सिस्टर को वानिता के घर के बाहर दिखाते हैं। दादी वानिता से कहती है तुम पावुत की वाइफ हो, तुम्हें पावुत के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, वो क्या करता है क्या नहीं सब खबर रखनी चाहिए तुम्हें। तभी वानिता की बहन उससे मिलने आती है। वानिता उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वो बताती है मैं घर से भाग कर आई हूँ क्योंकि सोम उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, उसे उसके काम की ही फिक्र थी, इसलिए मैं परेशान होकर यहाँ आ गई। दादी कहती है तुमने सही डिसीजन लिया है एंड तुम जब तक यहाँ रहना चाहती हो रह सकती हो। यहाँ कौन को दिखाते हैं, जिसने वीडियो बना ली थी सानिसो एंड पावुत की मीटिंग की सीक्रेटली। वह कहता है ये वीडियो मैं वानिता को दिखाऊंगा एंड उन दोनों का जल्द ही डिवोर्स हो जाएगा। ये बात उसकी मॉम को भी बताता है, कहता है वो सब हैंडल कर लेगा। उसके पास दो फोन थे, दूसरे फोन से वानिता को वीडियो सेंड करने वाला था। तभी यहाँ पावुत आ जाता है, उसे कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास दो फोन्स क्यों हैं? वह कहता है एक फोन खराब है, मैं रिपेयर कराने के लिए जा रहा था। वह ना करके चला जाता है। वानिता को उसकी सिस्टर के साथ दिखाते हैं, उसके पास वीडियो आता है, उसकी सिस्टर भी उसके साथ वो वीडियो देखती है एंड दोनों ही हैरान होकर पावुत से मिलने के लिए जाती है। यहाँ इन दोनों को दिखाते हैं जो की खुश हो रहे होते हैं। वानिता ये वीडियो देखकर जरूर पावुत से डिवोर्स ले लेगी। पावुत जा रहा होता है, भी आकर कहता है सानिसो तुमसे मीटिंग करना चाहता है। पावुत मना कर रहा होता है, ये कहता है नहीं वो यहाँ पे ही आ रहा है। देन सानिसो से मिलने जाता है, सानिसो अभी भी लैंड मांग रहा होता है पावुत से। पावुत कहता है नहीं वो नहीं देगा, वो पहले भी कह चुका है वो जगह उसकी वाइफ का होम टाउन है एंड अगर तुम नहीं मानते हो तो मैं ये सारी बात सभी को बता दूंगा, जिससे तुम्हें मेरा ही नहीं सभी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि तुम वहाँ मर्क्यूरी वेस्ट डाल रहे हो, तो तुम खुद ही सोच लो फिर क्या होगा। पावुत उसको धमकी देकर चला जाता है।
है। ये दोनों ऑफिस पहुंच गई थी। गार्ड पूछता है, आप दोनों? वानिदा की सिस्टर आम्पा गार्ड से कहती है, ये पावुत की वाइफ है, हम पावुत से मिलने आए हैं। गार्ड विश्वास नहीं कर रहा होता क्योंकि पब्लिकली किसी को पता नहीं है पावुत एंड वानिदा की मैरिज के बारे में। वानिदा कहती है, कोई बात नहीं, हम उसके लिए एक नोट लिख देते हैं। वानिदा नोट में लिखती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? आम्पा कहती है, तुम उसे इतनी इजीली जाने दोगी? एंड खुद अपने मन से कुछ और भी ऐड करती है। गार्ड से कहती है, तुम्हारे प्रेसिडेंट को ये दे देना। यहाँ ये दोनों आ रहे होते हैं क्योंकि सिचुएशन अभी ऑलमोस्ट उन्होंने हैंडल कर ली है सानिसो के साथ मीटिंग करके। गार्ड आकर उन्हें कार्ड देता है, वानिदा का कार्ड पढ़ता है। पीए से कहता है, क्या मैंने अभी कभी वानिदा से झूठ बोला है? पीए कहता है, सर आप अपना अंगूठा हटाइए, यहाँ पे कुछ और भी लिखा है। वानिदा की सिस्टर ने लिखा था, मैं अपना बीबी अवार्ड करवा दूंगी। ये पढ़कर पावुत हैरान हो जाता है। यहाँ वानिदा को दिखाते हैं जो कि घर जाने की पैकिंग कर रही होती है। यहाँ पावुत जल्दी में घर जा रहा होता है एंड कह रहा होता है, स्नेल कोई सिली थिंक मत करना। आके डायरेक्ट पूछता है, क्या तुम बीबी अबॉर्ट करने वाली हो? वानिदा कुछ आंसर नहीं करती उसे। वानिदा कहती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला फैक्ट्री के बारे में? तुम हम लोगों से रिवेंज लेना चाहते थे, उसमें बाकी सभी लोगों की क्या गलती है आइलैंड के? पावुत कहता है, हाँ मैं फैक्ट्री बेचने वाला था, मगर मेरी बात सुनो। बात सुन के ही वानिदा जाने लगती है। पावुत उसे रोक कर कह रहा होता है, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। वानिदा कहती है, मैं नहीं रुकूंगी क्योंकि तुमने अपना प्रॉमिस नहीं रखा। पावुत कहता है, मेरा प्रॉमिस था उन लोगों को जॉब से नहीं निकालूंगा, बट मैंने कभी नहीं कहा था मैं फैक्ट्री सेल नहीं कर सकता। वानिदा कहती है, तुम इनोसेंट लोगों को हार्म पहुंचाना चाहते थे। पावुत को भी गुस्सा आ जाता है। वह कहता है, मैं क्यों ना करूं ऐसा, उन लोगों ने मेरा लव मेरी लाइफ सब कुछ मैशअप करके रख दी है, मैं उनके लिए सॉरी फील क्यों करूं? ठीक है तुम्हें जो करना है तुम करो, यह कहकर जाने लगता है। वानिदा भी उसे गुड बाय कहती है। पावुत उसे कुछ नहीं कहता, बस परेशान होकर बैठा रहता है। कहता है, अच्छा ही होगा अगर वह चली जाएगी तो। ऐसे ही झूठ झूठ बोल रहा होता है, मन तो उसका भी नहीं लग रहा होता। देन उठकर वानिदा को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है घर में। सर्वेंट कहती है, वानिदा एंड उसकी सिस्टर को हमने अभी कैब में बैठकर जाते हुए देखा। वो परेशान होकर निकल जाता है। ये दोनों वापस आइलैंड जाने के लिए आई होती हैं। उसकी सिस्टर उसे कह रही होती है, बाबू हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, हम उसको वहाँ पे मर्क्यूरी वेस्ट नहीं डलवाने देंगे। वानिदा भी कहती है हाँ। अभी यहाँ बाबू आ जाता है वानिदा को ढूंढते हुए, से वो दूर से वहाँ बैठी हुई भी दिख जाती है। बाबू चैट को कॉल करके कहता है, वो वापस जा रही है, बस आने में 2 घंटों का वेट करना है। इतना वेट क्यों कर रही है? चार्ट स्माइल कर रहा होता है। पावुत कहता है, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ उसकी, बस मुझे तो बीबी की फिक्र है। चार्ट भी कहता है हाँ। देन पावुत जाता है एक स्टॉल पर, सारी चीजें बाय कर लेता है। इशारा करके बोलता है, उन लेडी को देना है आपको। यहाँ इन दोनों को भी भूख लग रही होती है, वह स्टॉल के पास जाती है। शॉप वाला कहता है, मैं स्टॉल क्लोज करने वाला था तो ये आपके लिए फ्री है। वो दोनों हैप्पीली चली जाती है। एंड पावुत भी वानिदा को स्माइल करता है, देख स्माइल कर रहा होता है। तभी यहाँ सोम आ जाता है। सोम को भी सब कुछ बता दिया था इन्होंने, ये तीनों घर जा रहे होते हैं। पावुत भी आ जाता है इन लोगों को जाते हुए देखकर। बस पे चढ़ के वानिदा के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है, सोम उसे पुश कर देता है। बस चलने लगती है बट पावुत जैसे तैसे करके बस के अंदर आ ही जाता है। सोम कहता है, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। पावुत कहता है वानिदा से, क्या तुम मुझे इतना बुरा समझते हो? वानिदा कहती है, तुम वहाँ पर मर्क्यूरी वेस्ट डलवाने वाले थे फैक्ट्री सील करने के बाद। पावुत कहता है, तुमने ये सब कहाँ देखा, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है क्या? तभी अचानक बस रुक जाती है। तभी वानिदा के सिस्टर का लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। वानिदा एंड पावुत ने पेरेंट्स क्लास अटेंड की थी, इस वजह से उन्हें थोड़ा आइडिया था। एंड जैसे तैसे करके वो सिचुएशन हैंडल करते हैं, बेबी की डिलीवरी यही हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल में दिखाते हैं इन लोगों को, सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वानिदा अपोलोजाइज करती है पावुत से उसे गलत समझने के लिए। मॉम आकर उसे थैंक्स कहती है, उसने सिचुएशन अच्छे से हैंडल करी, उसकी काफी तारीफ भी करती है। देन ये दोनों डिनर के लिए जाते हैं साथ में। वेटर आकर कहता है, हमारे रेस्टोरेंट को आप कुछ रिव्यू देना चाहेंगे क्या? वानिदा कहती है हाँ। वो उन्हें फॉर्म देकर जाता है। पावुत के पेन की इंक खत्म हो गई थी। पावुत उसे बताता है, ये पेन उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उसके डैड का है ये पेन। कोई बात नहीं, इंक खत्म होगी तो मैं कल नया खरीद लूंगा, मेरा जन्मदिन भी है। वानिदा अपना डेट ऑफ बर्थ लिखती है फॉर्म पे। पावुत कहता है, तुम मेरे बर्थडे डेट क्यों लिख रही हो? वानिदा कहती है, कल मेरा भी जन्मदिन है। जाते वक्त वानिदा कहती है, वो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती है। पावुत उसे बताता है, वह केक आई के साथ किस तरह अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता था। इसी रेस्टोरेंट में हमने लास्ट ईयर बर्थडे सेलिब्रेट भी किया था।
वालिदा कहती है आपकी काफी अच्छी मेमोरीज हैं। बाबूद्दीन वालिदा आकर दादी को भी ये बात बताते हैं। उन दोनों का सेम डे पर ही बर्थडे है। बाबूद के पास कीकाई का कॉल आता है। कीकाई बाबूद को बर्थडे विश करते हुए कहती है तुम्हारी कल के क्या प्लान्स हैं। बाबूद कहता है तुम्हें क्यों जानना है जब तुम यहाँ आने ही नहीं वाली हो। कीकाई उसे बताती है वो आने वाली है उसके पास उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तुम्हारे कोई और प्लान्स तो नहीं है ना। बाबूद कुछ सोच कर कहता है नहीं ठीक है तुम आ जाना। कॉल रखकर परेशान हो जाता है। वानिदा की तरफ देखता है। कीकाई की मैनेजर आती है उससे कह रही होती है तुम्हें यहीं पर होना चाहिए अगर डायरेक्टर्स को पता चल गया तो। कीकाई कहती है कुछ ही घंटों की तो बात है कुछ नहीं होगा। ये सारी बात एक लेडी सुन रही होती है। बाबूद वानिदा से पूछता है उसे बर्थडे गिफ्ट के लिए क्या चाहिए। वानिदा कहती है उसे मूवी देखनी है उसके साथ लंच करना है एंड वॉक पर जाना है। बाबूद कहता है ठीक है कल तुम रेडी रहना नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं। बाबूद परेशान होता है थोड़ा सा देन वानिदा को पिक करने के लिए जाता है मूवी के लिए। बाबूद वानिदा का हाथ पकड़ता है एंड ये दोनों यहाँ आते हैं। वानिदा कहती है मूवी देखने नहीं जा रहे क्या। बाबूद कहता है उसमें भी टाइम है देन उसे वेट करने का कहकर चला जाता है। तभी वानिदा के पास कोई पांडा की कॉस्ट्यूम में आता है तब फिर उसके साथ डांस करती है उसे थैंक्स भी बोलती है क्योंकि उसे लग रहा था इसके अंदर बाबूद है बट बाबूद उसके पीछे होता है जो कि कह रहा होता है तुम्हें क्या लगा मैं ऐसा करूंगा। उसकी आंखों पर अपना हाथ रखकर कहता है वैसे मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसे सरप्राइज देता है उसके लिए सॉन्ग भी गाता है। ये दोनों साथ में डांस करते हैं देन केक कट करते हैं। वानिदा का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। वानिदा उसे थैंक्स कहती है उसके लिए किसी ने भी ऐसा नहीं किया आज तक। वानिदा कहती है अब हम कहाँ जाएंगे। बाबूद उसे बताता है अब आगे वो उसके साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकता है क्योंकि लास्ट नाइट कीकाई का कॉल आया था वो रेस्टोरेंट में आने वाली है। उसे अपना कार्ड देता है वो जो गिफ्ट चाहे वो ले सकती है। बाबूद कहता है बट हम साथ में ही घर जाएंगे। वानिदा कहती है ठीक है एंड उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो चली जाती है चुपचाप। बाबूद कीकाई के पास कॉल करके कहता है तुम आ रही हो ना। वह कहती है हाँ बस कुछ ही घंटों में आ जाएगी। कॉल रखने के बाद यहाँ ये लेडी आती है कहती है तुम बैंकॉक जा रही हो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। कीकाई कहती है पावला ये तुम क्या कर रही हो। पावला कहती है कल हमारा फर्स्ट शो है तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए तुम बिना परमिशन के बाहर जा रही हो। कीकाई उसे समझाती है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है जाना एंड कुछ ही घंटों की तो बात है उसे समझाती है। पावला कहती है ठीक है तब वो जाने लगती है। पावला कहती है उस तरफ से मत जाओ वहाँ डायरेक्टर्स हैं बैक डोर से जाओ। उसको जाते देखे क्रीपी से स्माइल कर रही होती है। यहाँ वानिदा को दिखाते हैं जो कि शॉपिंग मॉल में अकेली घूम रही होती है। उसे थाया दिखाई देता है उसे आवाज लगाती है पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। थाया कहता है उसके फ्रेंड का शोरूम ओपन होने वाला है मैं उसकी हेल्प कर रहा था यहाँ पर। वानिदा कहती है वो शॉपिंग के लिए आई थी। ये आकर थाया को उसका शेड्यूल बता रहा होता है बट वानिदा को कुछ पता नहीं है तो वह प्रिटेंड करता है एंड कहता है मैं अपने फ्रेंड को बता दूंगा। देन ये दोनों साथ में जाते हैं। तभी वानिदा के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है वह उसे बर्थडे विश करते हुए कहती है वो फ्री नहीं है नहीं तो उसके साथ जरूर लंच करती। वानिदा कहती है कोई बात नहीं बाबूद बिजी नहीं होता तो मैं तुमसे नहीं कहती। थाया भी ये सब सुन रहा था। वानिदा को बर्थडे विश करता है। बाबूद को दिखाते हैं जो कि रेस्टोरेंट में आ जाता है कीकाई का वेट कर रहा होता है। यहाँ वानिदा आई होती है थाया के साथ बाबूद के लिए गिफ्ट बाय करने। उसे वही इंक पेन बाय करना था जो कि काफी एक्सपेंसिव होता है। वानिदा कहती है आई होप कि उसे पसंद आए। थाया कहता है तुम्हारे पास इतने कम पैसे थे फिर भी तुमने उसके लिए गिफ्ट बाय किया अगर उसे पसंद नहीं आया तो तुम ज्यादा माइंड मत करना एंड सैड मत हो जाना। वानिदा कहती है अगर वो गिफ्ट पसंद आया उसे तो वह सच में खुश हो जाएगी। बाबूद को दिखाते हैं जो कि वेट कर रहा होता है। वानिदा को दिखाते हैं जो कि बाबूद के रेस्टोरेंट के बाहर आ जाती है। ड्राइवर उससे कहता है मैम अभी बहुत टाइम है। वानिदा कहती है वो वेट करेगी बाबूद का। बाबूद बहुत परेशान होता है कीकाई अभी तक नहीं आई। पीए से कॉल करके कहता है फ्लाइट्स का पता तो करो जरा। वानिदा आकर बाबूद को देख रही होती है दूर से। चैट उसे बताता है उसकी फ्लाइट तो बुक थी बट वो नहीं आई है। ये बात सुन के बाबूद सैड हो जाता है। उसे सैड देख वानिदा उसके पास आकर उसे बर्थडे विश करती है। बाबूद कहता है तुम यहाँ क्यों आई। वानिदा कहती है आपने मुझे 11 बजे आने को कहा था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं वेट करूं बट कहां पर इसलिए मैं यहीं आ गई आपका वेट कर रही थी कार में। वानिदा से समझाती है कि कहीं का जरूर कोई रीजन होगा इसलिए वह नहीं आई। बाबूद कहता है हाँ मुझे पता है उसके पास तो हमेशा ही कोई ना कोई रीजन रहता है। वानिदा कहती है अगर आपकी जगह मैं होती तो भी यही करती एंड मुझे इस बात का कोई
रिग्रेट नहीं होता। देन उसे गिफ्ट देती है। बाबत को वो गिफ्ट बहुत अच्छा लगता है। उससे कहता है थैंक्स उसे समझने के लिए। तभी पानीदा के पेट से आवाज आने लगती है क्योंकि वो भूखी थी। बाबत कहता है जरूर तुमने डिनर नहीं किया होगा। पानीदा कहती है हाँ। इन दोनों जा रहे होते हैं। बाबत उसे डांट रहा होता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है टाइम टेबल के साथ खाना खाया करो, तुम्हें बेबी का भी ख्याल रखना है। पूछता है वैसे तुम्हें क्या खाना है। वानिदा उसे एक डिश का नाम बताती है जो कि उसके आइलैंड पे मिलती थी। देन उससे पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। बाबूत कहता है आइलैंड पर। दादी का कॉल आता है पीए के पास। दादी पूछती है दोनों कहाँ गए हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। कहता है आपको ये सीक्रेट रखना पड़ेगा। ये दोनों यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इनसे पूछते हैं कोई बसेस अवेलेबल है क्या। वह कहता है नहीं। वानिदा से कहता है तुम यहीं रहो मैं आता हूँ अभी। देन बाबूत दौड़ता भागता हुआ जाता है स्टॉल के पास एंड उन्हें सिचुएशन बताता है। लेडी कहती है वो बहुत थक गई हैं, अगर तुम्हें तुम्हारी वाइफ के लिए चाहिए तो तुम खुद बना लो। देन वो उसके लिए डिश बनाता है। जब जा रहा होता है तो उसे एक बाइसिकल दिखती है, उनसे पूछता है। देन पावुत बहुत जल्दी जल्दी आ रहा होता है क्योंकि 12 बजने ही वाले थे। वहीं से आवाज लगा देता है वानिदा को, बट तभी एक गड्ढा आ जाता है एंड उसकी साइकिल गिर जाती है, साथ में वो भी। वानिदा उसके पास आती है, उसकी डिश गिर गई थी। पावुत उस डिश को देख रहा होता है एंड वानिदा पावुत को। वानिदा कहती है कोई बात नहीं, बट पावुत के पास बैकअप था, उसने उस बॉटल में भी वो सूप लाया हुआ था। वानिदा बहुत ज्यादा खुश होती है, उससे कहती है आज तक उसके लिए ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। देन वो उसके लिए कैंडल जलाता है, वो विश करती है। पावुत से पूछती है वह क्या विश करता है। पावुत कहता है मैं अपना हर बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। देन वानिदा टेस्ट करती है। पावुत कहता है मुझे भी तो टेस्ट करने दो, मेरा भी तो बर्थडे है। जब वो टेस्ट करता है तो कहता है ये इतना अच्छा नहीं है, बट वानिदा कहती है नहीं ये डिलीशियस है क्योंकि तुमने बनाया है। पावुत कह रहा होता है प्लीज मत खाओ इसे, जरूरी नहीं है तुम ये खाओ। वानिदा कहती है तुम कुछ भी मेरे लिए बनाओगे तो मैं उसे जरूर खाऊंगी। पावुत बस वानिदा को ही देख रहा होता है, उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। वानिदा कहती है बस हो ही गया फिर हम चलेंगे। एंड जैसे ही उठ रही होती है पावुत सडनली आकर वानिदा को किस करता है। वानिदा शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें किकाई को दिखाते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी क्योंकि आते वक्त वह गिर गई थी सीढ़ियों से। उसे होश आता है, मैनेजर बताती है तुम सीढ़ियों से गिर गई थी एंड तुम्हारा रोल अब पाउला प्ले करेगी। केकाई को याद आता है जब वह उस रास्ते से जा रही थी तो पावला ने उसे दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहा था। जाते वक्त सीढ़ियों पर स्टोन बॉल्स थी जिसकी वजह से वो गिरी थी, ये सभी उस पावला ने किया था। मैनेजर कहती है तुम्हें ठीक होने में 6 महीने लगेंगे, साथ ही डॉक्टर ने ये भी कहा है कि अब वह अब कभी बैले परफॉर्म नहीं कर सकती है। ये बात सुनकर वह बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। पावुत केकाई और उसकी फोटो हटा कर उसकी एंड वानिदा की फोटो लगा देता है। दादी और चार्ट दोनों कल के बारे में बात कर रहे थे, अभी पावुत आता है जो कि खुश लग रहा था। दादी कल रात का जिक्र करती है। पावुत चार्ट की तरफ देखता है क्योंकि उसने सब कुछ वो बता दिया था। यहाँ वानिदा जब ये पिक्चर देखती है तो उसे बहुत खुशी होती है। टेबल पर दादी का बोल रही होती है वानिदा अभी तक नहीं आई। पावुत कहता है मैंने ही उसे कहा है आराम करने को। जब वो खाना खा रहा होता है वह कहता है इसमें से स्मेल आ रही है। सभी लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, तभी यहाँ पर वानिदा आती है। जब वो टेस्ट करती है तो वो भी यही बोलती है। पावुत कह रहा होता है देखा मैंने कहा था ना। दादी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तुम्हारी वाइफ की प्लेस पर मॉर्निंग सिक हो गए हो। पावुत वानिदा की तरफ देखने लगता है। ये दोनों अलग से ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। पावुत कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। वानिदा कहती है हो सकता है, मेरी सिस्टर जब प्रेगनेंट थी तब सोम के साथ भी ऐसा होता था। मेरी मॉम कह रही थी जो हस्बैंड उसकी वाइफ से बहुत प्यार करता है उसके साथ ऐसा हो जाता है। पावुत वानिदा को घूरने लगता है। वानिदा कहती है मैं तो बस बता रही थी, आपके साथ जरूर कोई और रीजन होगा। वह कहता है ब्रेकफास्ट के बाद हम कहीं बाहर जाके रेडी हो जाना। नेक्स्ट सीन में ये दोनों आ रहे होते हैं। पावुत कह रहा होता है हम यहाँ पर हमारी कंपनी के न्यू डिजाइनर को कॉन्ग्रेचुलेट करने आए हैं, उसने यहाँ शोरूम खोला है। चार्ट कह रहा होता है मिस्टर रॉजर्स के साथ हम काम कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये लोग यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पर थाया था। वानिदा उसको देख के खुश हो जाती है। पावुत कहता है मैंने सोचा नहीं था तुमसे यहाँ मिलूंगा। तभी थाया का मैनेजर आके इनको इंट्रोड्यूस करवाता है। पावुत को अब पता चलता है यही थाया रॉजर्स है। वो उसके पास जाकर कहता है अच्छा तुम हो, उसे बात करने के लिए कहता है तुम प्रिटेंड कर रहे थे पीस बनने का ताकि तुम वानिदा के क्लोज जा सको। थाया कहता है पहले तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता था बट बाद में मैं उसके बारे में जानना चाहता था। वह कहता है कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो चुका है, अब सच बताओ तुम हमारे साथ काम करना क्यों चाहते थे, क्या इसका रीजन वानिदा है। थाया कहता है हाँ यही सच है, मैं वानिदा की वजह से
से ही ऐसा कर रहा हूँ। बाबूत कहता है मगर वो मेरी वाइफ है। थाया कहता है मगर तुम तो उसे वाइफ जैसा ट्रीट ही नहीं करते। बाबूत गुस्से में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है वानिदा मेरी वाइफ है। थाया कहता है चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, दिखना भी तो चाहिए। नेक्स्ट सीन में थाया वानिदा से मिलने आता है। वो कहती है तुम प्रीस्ट नहीं हो। उसे बताता है उस दिन वो कैसे प्रीस्ट बन गया था। वानिदा कहती है मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, मुझे शर्म आ रही है। यहाँ बाबूत चार से कह रहा होता है ऑफिस कॉल कर देना, मैं वानिदा के साथ जा रहा हूँ। देन वानिदा को कॉल करने ही वाला था बट वानिदा को थाया के साथ देख लेता है। थाया कह रहा होता है हमारे बीच कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, हम पहले भी फ्रेंड्स थे अभी भी फ्रेंड्स हैं। अब ये जलन के मारे यहाँ पर आ जाता है, वानिदा को अपनी ओर खींचकर कहता है तुम मेरी वाइफ से क्या झूठ बोल रहे थे फिर से। थाया कहता है मैं वानिदा से कह रहा था अगर वो घर के बाहर अकेली खड़ी हो और तुम्हारा वेट कर रही हो ताकि तुम साथ में घर जा सको, जब तुम अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो वानिदा मुझे कॉल कर सकती है। बाबूत वानिदा की तरफ देखकर कहता है तुम कल इससे मिली थी। थाया कहता है हाँ कुछ ही घंटे, हमने साथ में ही तुम्हारे लिए बर्थडे प्रेजेंट खरीदा था। बाबूत कहता है वानिदा मेरी वाइफ है, मैं उसका अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में बाबूत वानिदा को बहुत डांटते हुए कह रहा होता है उस थाया से दूर रहो तुम। वानिदा कहती है तुम इतने गुस्से में क्यों हो, क्या तुम जेलस हो। बाबूत कहता है जेलस, तुम पागल हो गई हो क्या, मैं जेलस। वानिदा कहती है तो फिर आप गुस्सा किस बात पर हैं। बाबूत कहता है मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा। वानिदा कहती है मैं आपका गुस्सा कैसे शांत करूं। वानिदा बाबूत के मेथड से ही उसे स्माइल कराती है। यहाँ दारिका बहुत ही गुस्से में होती है, अगर वानिदा के यहाँ बेबी हो गया तो सारा बिजनेस उसे ही मिलेगा। हम यहाँ ये शॉपिंग मॉल में थे तो बेबी के लिए बहुत सारा सामान देखते हैं। यहाँ उन्हें एक हॉर्स दिखता है जिसे वो बाय करते हैं। देन यहाँ पे कपल आउटफिट्स थे मम्मा बेबी और डैड के लिए। वानिदा कहती है बहुत अच्छा लगता होगा जब ये पेरेंट्स पहनते होंगे बेबी के साथ। बाबूत उन्हें बाय कर रहा होता है। वानिदा उसे कहती है मत बाय करो। बाबूत कहता है मगर तुम्हें पसंद आया ना। वानिदा कहती है वैसे भी तुम्हें 7 महीने बाद यहाँ से चली जाऊंगी। बाबूत वानिदा से कहता है मैं चाहता हूँ तुम यहाँ रुको। वो लेडी उन्हें क्रॉस देती है। चेंजिंग रूम में वानिदा कहती है क्या तुम सच में चाहते हो ऐसा। बाबूत उसके साइड वाले चेंजिंग रूम में से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। ये दोनों ही आते हैं और बहुत खुश लग रहे थे। बाबूत वानिदा के साथ पिक्चर भी क्लिक करता है। बाबूत वानिदा को कंपनी लेकर आता है, उसे अपने ऑफिस में लेके जाता है, कहता है ये मेरा न्यू ऑफिस है एंड अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया है, तुम फर्स्ट पर्सन हो। उसे लेकर जा रहा होता है। अब यहाँ पर बाबूत को एक सरप्राइज मिलता है। केकाई बाबूत को आवाज लगाती है एंड उसे देखते से ही हग कर लेती है। बाबूत तो शॉक्ड होता है, वानिदा का हाथ छूट जाता है। केकाई खुद को इंट्रोड्यूस करने लगती है कि वो बाबूत की गर्लफ्रेंड है। वानिदा भी प्रिटेंड करती है वो भी उसकी एम्प्लॉय है और वहाँ से चली जाती है। बाबूत वानिदा के पीछे जाता है। केकाई गुस्से में देख रही होती है। बाबूत कहता है तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम ग्रैंडमा की सेक्रेटरी हो। वानिदा कहती है तुम चाहते हो कि मैं उसे सच बताऊं। बाबूत कहता है हाँ, जिस दिन हमने हमारा बर्थडे साथ में सेलिब्रेट किया था उस रात को ही मैंने सोच लिया था कि एकाई को सारा सच बता दूंगा। वानिदा कहती है उसको हर्ट होगा। बाबूत कहता है तुम्हारा क्या, तुम रिग्रेट नहीं करोगी। वानिदा कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है अभी उसको सच नहीं बताना चाहिए। सीन यहाँ शिफ्ट होता है, वो केकाई से गुस्से से बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। केकाई कहती है तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो। बाबूत कहता है खुश, तुम्हारा जब मन होता है आती हो, जब मन होता है जाती हो, मैं कोई खिलौना थोड़ी हूँ ना, मेरी भी फीलिंग्स है जिसकी तुम कदर नहीं करते हो। वो कहती है तुम गुस्सा हो मुझसे अभी भी। बाबूत कहता है हाँ, कोई रोबोट थोड़ी ना हूँ मैं। वहाँ से जा रहा होता है। वो कहती है मेरे पास रीजन है। बाबूत कहता है तुम्हारे पास तो हमेशा ही कोई रीजन होता है, अब बहुत हो गया। केकाई रोते हुए आती है, कहती है मुझे लगा तुम खुश होंगे मुझे देखकर। वानिदा भी गेट खोलकर देख रही होती है। तुम मेरा रीजन नहीं सुनना चाहते, ठीक है मैं वापस चली जाऊंगी। जाते वक्त गिर जाती है। बाबूत उसके पास आता है दौड़कर, कहता है क्या हुआ। फिर वो बताती है वो सीढ़ियों से गिर गई थी, उसका सपना टूट गया, जो रोल वो प्ले करना चाहती थी वो नहीं कर पाई, ऐसा तुम्हारे बर्थडे के लिए जल्दी आने की वजह से हुआ, मैंने सब कुछ खो दिया। बाबूत ये सुनकर उसे हग कर लेता है, साथ में उसे सॉरी भी कहता है। वानिदा भी सब कुछ देख चुकी थी सो रो रही थी। वो बेबी के क्लॉथ्स और सारी मूवमेंट्स को याद कर रही होती है जो उसने बाबूत के साथ स्पेंड की थी। यहाँ बाबूत केकाई को उसके घर लेकर आता है। अब केकाई को सोच रही होती है एक्चुअली में केकाई ने वानिदा एंड बाबूत दोनों को साथ में देख लिया था पहले ही छुपकर। वो समझ गई थी इन दोनों का रिलेशन। बाबूत को पीछे से हक कर लेती है। बाबूत उसको समझाने जाता है, वो कहती है मुझे छोड़कर मत जाना। उसे हक कर लेती है। यहाँ वानिदा जो उन्होंने टॉय खरीदा था उसे बना रही होती है। दादी आती है, उससे कहती है तुम इतनी रात को क्यों जाग रही हो, तुमने इंतजार क्यों नहीं किया। बाबूत
आकर ये बना देता। वनिता कहती है वो बिजी है। वनिता दादी से पूछती है क्या वो 2-3 दिन के लिए उसके घर जा सकती है। यहाँ केकाई सो चुकी थी, दादी का कॉल आ रहा था पावुद के पास। दादी से कहता है वो मुझे कुछ काम था, मैं यहाँ का मैटर सेटल करके आ जाऊंगा। दादी को सोचने लगती है। यहाँ पावुद वनिता एंड उसकी पिक्चर्स देख रहा होता है। वनिता वो टॉय कम्प्लीट कर चुकी थी उससे दिख रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जब जा रही थी, दादी का पूछती है कहाँ जा रही हो, वो उससे बताती है वो उसके मोम के घर जा रही है। दादी का बोल रही होती है पावुद लास्ट नाइट घर नहीं आया था। ये सब बातें उसे और सैड कर रही होती है, बट वो अपनी सैडनेस को छुपाती है। नेक्स्ट सीन में वनिता को थाया के साथ दिखाते हैं, वो उसे सब कुछ बता देती है। थाया गुस्से में वनिता का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है। वनिता कहती है नहीं, उसे नहीं जाना है। थाया कहता है अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं जाऊंगा। वो उसे रोकती है। वह कहता है मुझे पता है ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, बट तुम खुद इसे हैंडल नहीं कर सकती हो। ये मेरी ही गलती थी जो मैंने उससे तुम्हें शादी करने दी, इसलिए तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रहा हूँ। वो उसको रोक रही होती है, बट उसकी स्टमक में पेन होने लगता है। अभी भी यही कह रही होती है पावुद को कुछ मत बताना। थाया वनिता को कैरी करता है। दादी के पास कॉल आता है थाया का, वनिता हॉस्पिटल में है। दादी कहती है तुम उसके साथ क्यों हो। वह कहता है लंबी स्टोरी है, वो बता देगा, आप यहाँ आ जाइए। साथ ही ये भी कहता है एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपको जानना जरूरी है। दादी हॉस्पिटल पहुँचती है। थाया कहता है पावुद वनिता को डिवोर्स दे देगा बेबी होने के बाद। पावुद की गर्लफ्रेंड आने वाली थी जिसका वेट पावुद कर रहा था, एंड बाहर खड़ी होकर वनिता पावुद के लिए वेट कर रही थी। साथ में वो वर्क को एक्सक्यूज बना रहा है, घर नहीं गया ताकि आप उस पर शक ना करें। दादी बहुत गुस्सा करती है। तभी यहाँ चार्ट आता है जो कि बहुत ज्यादा ही लॉयल है, बट दादी उसे इतना डराती है, इतना गुस्सा करती है जो सारा सच उगल देता है। दादी कहती है इस बार उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। डॉक्टर आकर बताते हैं वनिता डेंजर से बाहर है। दादी को बात करने के लिए बुलाता है। डॉक्टर कहते हैं पेशेंट बहुत ही परेशान और सैड है, उसे बहुत केयर की जरूरत है, उसके इमोशंस स्टेबल नहीं है। दादी पूछती है बेबी तो ठीक है ना। डॉक्टर कहते हैं अभी तो ठीक है, बट आगे ऐसा कुछ हुआ तो उसकी इमोशनल प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, जिससे बेबी को भी इफेक्ट होगा। दादी पहुंचती है वनिता से मिलने, कहती है तुम्हें रियलाइज हुआ है तुमने क्या किया है, तुम खुद का ख्याल नहीं रख रही हो। दादी ये भी बता देती है उन्हें सब पता चल गया है। यहाँ केकाई उठती है, पावुद उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। उसे बैक हग करती है, वो उसे दूर करता है। केकाई उसे किस करने के लिए जा रही होती है, बट वो रिफ्यूज कर देता है। पावुद के फोन पर कॉल आ रहा था, ये कट कर देती है क्योंकि चैट का कॉल था। पावुद आता है, कहता है तुम जब यहाँ नहीं थी इन 2 महीनों में काफी कुछ हुआ है। उसे सच ही बताने वाला था, बट तभी बेल रिंग होती है, वो जाता है। दादी उसे गुस्से में कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो तुम्हारी वाइफ के साथ। वो उन्हें एक साइड ले जाता है। वह कहता है मैंने वनिता को नहीं छोड़ा, मैं बस मौका ढूंढ रहा हूँ केकाई को सच बताने का। तभी यहाँ केकाई आ जाती है, दादी को ग्रीट करने लगती है। तभी यहाँ वनिता भी आ जाती है, कहती है दादी आप घर चलिए, उन्हें मना कर ले जा रही होती है। पावुद उन्हें रोकता है। वनिता का हाथ पकड़ कर कहता है ये मेरी वाइफ है। केकाई नहीं मान रही होती, कहती है तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम उससे नाराज हो इसलिए ये सब कर रहे हो। दादी कहती है इसने कहा ना वनिता उसकी वाइफ है, एंड साथ में वो प्रेगनेंट भी है। वो रोते हुए वहां से चली जाती है। पावुद उसके पीछे जाता है। पावुद कहता है तुम्हें डांस करना है कि नहीं फिर से। केकाई कहती है मैं करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अब मुझसे सब कुछ छिन चुका है। पावुद उसे सॉरी कह रहा होता है। केकाई सच मानने के लिए तैयार नहीं होती, उसे हक कर रही होती है, बट पावुद नहीं करता क्योंकि उसे केकाई के लिए केवल सिंपैथी फील हो रही थी, लव तो वनिता को करने लगा है। घर आकर पावुद रो रहा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं केकाई के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसे खुद का फॉल्ट दिख रहा था। वो पहले केकाई को कितना लव भी तो करता था। वनिता भी उसे बाहर से देख रही होती है, वो भी रोने लगती है। इधर केकाई दुखी बैठी होती है। यहाँ थाया आता है, उसे पहचान जाता है, उसकी फर्स्ट मीटिंग याद आती है, उससे मिलने जाता है। वो उसे इग्नोर कर रही होती है। थाया कहता है तुम अपने आइडल से नहीं मिलना चाहती, वो कुछ रिप्लाई किए बिना जा रही थी। थाया कहता है ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें डंप कर दिया गया है। केकाई उस पर गुस्सा होने लगती है, हम तो उतने क्लोज भी नहीं है, तुम क्यों ये सब बोल रहे हो। थाया कहता है मुझे लगा शायद तुम्हें रोने के लिए कंधा चाहिए होगा। देन वो बता दिया उसका ब्रेकअप हो गया। थाया कहता है ब्रेकअप होना नॉर्मल बात है। केकाई कहती है नहीं, पावुद एंड वो बहुत समय से साथ में थे। पावुद का नाम सुनकर थाया समझ जाता है। वह कहता है तुम सच में उसकी गर्लफ्रेंड हो। केकाई कहती है क्या तुम उसे जानते हो। थाया कहता है वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसे कौन नहीं जानता। सीन डिनर टेबल का दिखाते हैं। तारिका कह रही होती है वनिता से पावुद नहीं आया अभी तक, उसके चेहरे पर नमक छिड़क रही होती है। दादी उसे डांट देती है।
पापा उसे बात करने के लिए जाती है। उससे कहती हैं तुम एक एकाई के साथ सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए, इवन उससे मिलना भी नहीं चाहिए। पावुद कहता है उसके लिए मुझे सॉरी फील होता है बस। अधिक गुस्से में कहती है ऐसा है तो मैं अपनी वाइफ के लिए सॉरी फील नहीं होता। वो हॉस्पिटल में थी, क्रिटिकल कंडीशन में भी पहुंच गई थी। पावुद हैरानी से पूछता है ये कब हुआ, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं। दादी उल्टा उसी पे गुस्सा करती है। यहाँ ये दोनों कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहे थे। दादी का कहती है अगर हम वो डिवोर्स एग्रीमेंट ढूंढ ले तो पावुद के लिए ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। अनिता के पास कॉल आता है उसकी सिस्टर का। उन लोगों ने रेस्टोरेंट खोल लिया था, बैंकॉक में ही रहने आ गए थे वो। यहाँ मॉम आती है इन लोगों के पास। मॉम को बताते हैं वानिदा आपसे मिलने आ रही है। पावुद वानिदा से मिलने आता है, वानिदा जा रही होती है। पावुद कहता है उसे पता चला अब तुम कैसा फील कर रही हो, चलो हम चेकअप के लिए चलते हैं हॉस्पिटल। वानिदा कहती है वो ठीक है। कहती है बेबी जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना मेरे लिए भी है, मैं उसका ख्याल अच्छे से रख लूंगी। मुझे पता है आपके लिए बेबी कितना ज्यादा प्रीशियस है। यह सब केक आ चली जाती है। वो रेस्टोरेंट पहुंचती है, मॉम उससे मिलकर बहुत खुश थी। उसे बताती है ये प्लेस अंकल सानो एंड आम्पा ने मिलकर उनके लिए बाय किया है। वो भी बैंकॉक आना चाहती थी ताकि तुम्हारे एंड बेबी के क्लोज रह सकूं। देन वो पावुद का पूछती है, वानिदा बात को टाल देती है। यहाँ दारिका छुप कर पावुद एंड वानिदा के रूम में डिवोर्स एग्रीमेंट ढूंढ रही होती है। काफी ढूंढने के बाद उसे मिल जाता है, उसकी पिक्चर क्लिक कर लेती है। यहाँ वानिदा घर पहुँचती है, उससे मिलने केकाई आई थी। केका यहाँ वानिदा को बताती है उसके साथ क्या क्या हुआ। वानिदा उसे तसल्ली देती है, कहती है पावुद आपसे ही प्यार करता है और बस उसे थोड़ा वक्त चाहिए। यहाँ पावुद वानिदा के इंतजार में बहुत परेशान हो रहा होता है। पावुद मॉम के पास कॉल कर पूछता है वानिदा के बारे में। वह कहती है वो तो चली गई। ये लोग खुश हो रहे होते हैं कि पावुद को वानिदा की कितनी चिंता है। यहाँ वानिदा आ जाती है, पावुद वानिदा को रोक कर माफी मांग रहा होता है। वह केकाई के घर रुका था, उसे इस बारे में नहीं बताया इसलिए। वानिदा कहती है कोई बात नहीं, मैं होती आपकी जगह तो यही करती। बट पावुद बता रहा होता है कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, बस मैं उसका ख्याल रख रहा था, मेरा इन केकाई का रिलेशनशिप ओवर हो चुका है एंड ये बात मैं तुम्हें कल प्रूफ कर दूंगा। सो नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं, अब बहुत सारे मीडिया वाले होते हैं। पावुद वानिदा दोनों रेडी खड़े होते हैं। वानिदा बहुत नर्वस होती है। दादी कहती है तुम फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ का इवेंट अटेंड करने वाली हो। वानिदा की फैमिली भी आई होती है। इन दोनों की भी कुछ अलग खिचड़ी पक रही थी। पावुद वानिदा के साथ आता है अनाउंसमेंट करने के लिए। सभी को बता देता है कि उसकी शादी हो चुकी है। पूरी दुनिया को वानिदा से इंट्रोड्यूस कराता है। मीडिया वाले इन लोगों से सवाल पूछने लगते हैं, तभी कौन कुछ करता है एंड मीडिया वालों के पास वो डिवोर्स एग्रीमेंट का फुटेज पहुंच जाता है। इवन सभी लोगों के फोन में पहुंच जाता है। अब पावुद को मानना पड़ता है कि ये एग्रीमेंट सच है। अब मॉम भी यहीं थी, वो बहुत गुस्से में आकर वानिदा को ले जाने लगती है। कहती है मैं ही बेवकूफ थी जो तुम पर विश्वास किया, अब तो मेरी बेटी को कभी कॉल मत करना, उसे ले जा रही होती है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं। वानिदा भी रोक रही होती है उसकी मॉम को। उसकी मॉम कहती है तुम इस पर ट्रस्ट क्यों कर रही हो। वानिदा बताती है हम दोनों ने मिलकर फैसला लिया था। मॉम कहती है मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, तुम कितनी भोली भाली हो, चलो मेरे साथ। पावुद सामने आकर कहता है सब मेरी गलती है, एग्रीमेंट कैंसिल करा दूंगा मैं। मॉम उस पर ट्रस्ट नहीं करती, ये कहकर जा रही होती है। पावुद कहता है मॉम पहले ऐसा था मगर अब ऐसा नहीं है, चीजें बदल चुकी हैं। मॉम उस पर ट्रस्ट नहीं करती, उसे पुश कर आगे चली जाती है। अब पावुद यहाँ पर गिर जाता है एंड मॉम वानिदा को ले जाती हैं। यहाँ सभी लोग मॉम को समझा रहे होते हैं। पावुद वानिदा को बहुत ज्यादा लव करता है एंड बातों में सोम के मुँह से निकल जाता है अगर वो वानिदा को लव नहीं करता तो वानिदा की खुशी के लिए ये रेस्टोरेंट आपको खरीद कर नहीं देता। अब मॉम इस बात पर से और गुस्सा होती है, को लड़ता झगड़ता देख वानिदा रोने लगती है। मॉम उसे समझाती है हाँ ये लोग भी पावुद पर बहुत नाराज हो रहे होते हैं, उनकी फैमिली की रेपुटेशन स्पॉइल जो हो गई। पावुद कहता है एक दिन सब समझ जाएंगे, इतना ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, यह कहकर चला जाता है। जब पावुद जा रहा होता है तो वो सीढ़ियों से गिर जाता है, उसे अपना लेग फील ही नहीं होता। सो वो डॉक्टर के पास पहुंचता है, डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। यहाँ वानिदा से मिलने फैन आई होती है, वो उसे सलाह देती है तुम पावुद की वाइफ हो, वो तुम्हें लाइक करता है एंड तुम भी उसे लाइक करती हो, तुम्हें तुम्हारी मैरिज के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पावुद चार्ट से आकर कहता है उसकी बोन फ्रैक्चर हुई है, डॉक्टर ने उससे यही कहा। चार्ट उसकी बहुत ज्यादा फिक्र करने लगता है, पावुद इग्नोर कर जा रहा होता है। देन दिखाते हैं पावुद बहुत ज्यादा चिंता में होता है क्योंकि डॉक्टर ने उसको बताया था उसे एक डेडली डिजीज हो गई है ALS नाम की, जिसमें वो धीरे धीरे इतना वीक हो जाएगा कि खुद की मदद खुद भी नहीं कर पाएगा, उसे हर वक्त किसी की हेल्प लगेगी। पावुद अपनी बीमारी के बारे में सर्च कर रहा होता है, पर तभी यहाँ केकाई आती है। केकाई यहाँ कह रही होती है उसे सबको समझ में आ गया
गया है, हम दोनों शादी कर लेंगे और मैं तुम्हारी बीबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। भावुत उसे सॉरी कहता है। वानिदा उसके बीबी की मदर ही नहीं है बस उसके लिए, वानिदा उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। केकाई कहती है, इसका मतलब तुम वानिदा को चूज कर रहे हो। भावुत कहता है, नहीं मैं उसे भी चूज नहीं कर रहा हूं। उसे रोता देख कंसोल करता है। देन सीन यहां शिफ्ट होता है। भावुत मिस्टर परिनाया के पास आए होते हैं डिवोर्स एग्रीमेंट को फिर से चेंज करवाने के लिए। भावुत चेंजेस करवाता है। सबसे पहले बीबी की कस्टडी वानिदा को मिलेगी, सेकंड उसे 5 बिलियन देगा डिवोर्स के बाद, एंड थर्ड अगर भावुत को कुछ हो जाता है तो पूरी प्रॉपर्टी जो है वानिदा एंड उसके बेबी की होगी। मिस्टर परिनाया कहते हैं, आप डिवोर्स एग्रीमेंट लिखवा रहे हैं या बिल? पावुत कुछ नहीं कहता। यहाँ दादी पहुंची होती है डिवोर्स एग्रीमेंट लेकर, कहती है देखिए पावुत ने कभी इस पर साइन ही नहीं किया था, वो बदल चुका था एंड वानिदा को लव भी करता है। देन वानिदा के पास मैसेज आता है, पावुत ने उसे बुलाया था मीटिंग के लिए। नेक्स्ट सीन में वानिदा मिलने पहुंचती है बहुत खुश होकर, क्योंकि उसे लग रहा था पावुत उन दोनों की रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएगा एंड उसकी मैरिज नहीं टूटेगी। बट यहाँ पावुत ऐसा कुछ नहीं करता, उनकी जर्नी यही खत्म हो गई ऐसा कहता है। उसे जाते वक्त बेस्ट विशेष देता है। वानिदा दूसरे रास्ते पे जा रही होती है एंड पावुत दूसरे रास्ते पर। पावुत कहता हुआ जा रहा था कि पीछे पलट कर मत देखना, बट वानिदा अपने हाथों की रिंग देखती है, सोचती है ये रिंग मैं उसे वापस लौटा देती हूँ। दौड़कर उसकी तरफ आ रही होती है बट तभी एक कार आती है एंड वानिदा का एक्सीडेंट हो जाता है। पावुत शोर सुनकर पीछे पलटता है, वानिदा को इस कंडीशन में देखता है। ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वानिदा कह रही होती है उसके बेबी को बचा लेना। पावुत बहुत ज्यादा परेशान होता है, डॉक्टर से कहता है उसकी वाइफ को बचा लें। डॉक्टर चेकअप के बाद कहते हैं उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है एंड बच्चे को वो नहीं बचा सकते हैं। पावुत को फॉर्म फिल करने के लिए देते हैं, ना चाहते हुए भी उसे ये फैसला लेना पड़ता है। वानिदा का ऑपरेशन होता है, दादी भी यहाँ आ जाती है साथ में मॉम भी। वो मॉम से सॉरी बोलता है, मॉम उसे एक चांटा मारती है। वानिदा को होश आता है, पावुत उसके पास ही था। वानिदा बेबी के बारे में पूछती है, पावुत उसे सच बता देता है। वानिदा इस बात को सुनकर टूट जाती है। पावुत ने ये दोनों साथ में एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, पावुत घर पहुंचता है, दादी उसे समझा रही होती है तुम्हारी किस्मत में ही नहीं था, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। पावुत बताता है वो एक्सीडेंट नहीं था, वानिदा जा रही थी क्योंकि मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया था। दादी उस पर बहुत नाराज होती है, कहती है तुम अपने बेबी वाइफ दोनों को छोड़कर उसकी इकाई के पास जाना चाहते हो। पावुत कहता है ऐसा नहीं है। देन यहाँ पर दादी को अपनी इलनेस एंड कंडीशन के बारे में बताता है। दादी कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ थाया मॉम के रेस्टोरेंट में पहुंचा होता है वानिदा के बारे में पूछने के लिए, क्योंकि वो उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। सीन यहीं पर कट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं थाया केकाई से मिलने आया होता है। वो कहता है मैंने सुना है पावुत एंड वानिदा के डिवोर्स एग्रीमेंट के बारे में। केकाई कहती है हाँ वो वानिदा के साथ नहीं रहेगा। थाया कहते हैं हाँ वो भाग रहा है बेबी के अबॉर्शन के बाद। केकाई को ये बात नहीं पता थी, वो हैरान हो जाती है। थाया कहता है पावुत ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। केकाई कहती है नहीं एंड ये भी बताती है उसने कहा है वो ना वानिदा को चूज करेगा ना मुझे। बट केकाई इस बात को अलग ही वे में ले जाती है, कहती है वो मुझसे लव करता है इसलिए मुझे हर्ट नहीं करना चाहता है और मैं हार नहीं मानूंगी। नेक्स्ट सीन में थाया वानिदा से मिलने पहुंचता है, पूछता है तुम आगे क्या करने वाली हो। वानिदा कहती है वो सब खत्म करने वाली है अब। थाया उसे इनवाइट करता है उसके साथ फ्रांस चलने के लिए, कहता है तुम्हें आर्ट में इंटरेस्ट था, तुम मेरे साथ चलकर वो सब चीजें सीख सकती हो, एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकती हो। वानिदा इस बारे में सोचने लगती है। पावुत वानिदा से मिलने आता है बट उससे मिलता नहीं। वानिदा घर आ गई थी, उसे डिस्चार्ज मिल गया था। मॉम वापस जाने का बात करती है, वानिदा कहती है वो फ्रांस जाएगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं वानिदा ऑफिस में आई होती है पावुत के, उसे रिंग लौटा देती है, उसे सॉरी कहती है उसकी लाइफ को इतना मैस्ड अप करने के लिए। वानिदा जाने के लिए खड़ी होती है जब पावुत खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है, वो खड़ा ही नहीं हो पाता। वानिदा गुड बाय कहकर चली जाती है। उसके जाने के बाद पावुत बहुत रो रहा होता है, वह चाहकर भी वानिदा को अपने साथ नहीं रख सकता। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वानिदा को पावुत के घर, वह अपना सामान देख रही होती है। देन दादी से मिलती है, उन्हें अलविदा कहती है। जब वानिदा जा रही होती है तो ये दोनों बात कर रहे होते हैं। कौन कहता है ये सब हमारी वजह से हुआ है, अगर हम वो सब नहीं करते तो वानिदा एंड पावुत अपना बेबी नहीं खोते। उसकी मॉम कहती है अरे इतनी बड़ी बात नहीं है कोई, हमने तो केवल डिवोर्स एग्रीमेंट लीक किया था, हमने थोड़ी ना कोई उसका एक्सीडेंट करवाया है। बट कौन इस बात को लेकर गिल्ट में होता है। चार्ट पावुत को रेस्ट करने के लिए कहता है, पावुत उसे मना करता है, उसे वहाँ से भेजता है, उसके बेबी को ही याद कर रहा होता है। नेक्स्ट डे मॉम पहुंची होती है उसका रेस्टोरेंट और उसके पैसे वगैरह सब वापस करने, पावुत लेने से इनकार कर रहा था। मॉम कहती है अब हम स्ट्रेंजर्स हैं, तुम्हारा वानिदा का कोई रिश्ता नहीं, तुम कभी नहीं मिलोगी। पावुत पूछता है वो कैसी है, मॉम कहती है
वो अब्रॉड जा रही है एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए, तो मैं भूलना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हमें थाया और वानिदा को जाती हुई दिखाते हैं। पावुत एयरपोर्ट पहुंच जाता है वानिदा से मिलने के लिए। वो वानिदा को देख लेता है बट गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते। वानिदा को वहीं से आवाज लगा रहा होता है बट तभी उसके जो लेग्स हैं वो वापस नम हो जाते हैं, वहीं खड़े खड़े गिर जाता है और वानिदा चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो ऑफिस पहुंचता है। चार्ट कहता है आज डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट है। पावुत कहता है वानिदा इस बार उसे सच में छोड़कर चली गई। वानिदा फ्रांस पहुंच जाती है। नेक्स्ट डे थाया उसे अपना स्टूडियो दिखाता है, साथ में फ्रेंच भी सिखा रहा होता है उसे। यहाँ पावुत वानिदा एंड उसके बेबी दोनों को बहुत याद करता है। वानिदा थाया के साथ आर्ट सीख रही होती है। यहाँ पावुत का ट्रीटमेंट चल रहा होता है एंड ऐसे ही करते करते 3 ईयर्स निकल जाते हैं। इतने समय में वानिदा एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट बन गई थी एंड उसका फर्स्ट एग्जीबिशन होने वाला था। यहाँ पावुत भी किसी बिजनेस ट्रिप पे जा रहा होता है। फाकरा कॉल आता है वानिदा के पास जो कि उसे बैंकॉक आने के लिए बोल रही थी। वानिदा कहती है उसे ऑफर्स तो आए हैं 2-3 आर्टिस्ट से एग्जीबिशन के लिए बैंकॉक में, बट वह श्योर नहीं है आएगी कि नहीं। देन ये सीन यहीं कट होता है एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं वानिदा बैंकॉक आ जाती है। यहाँ पावुत भी बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है। वानिदा को थाया लेने आया होता है एंड पावुत को चार्ट, ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। नेक्स्ट सीन हमें डॉक्टर के पास का दिखाते हैं। पावुत डॉक्टर से उसकी इलनेस के बारे में पूछता है, क्या मैं और डेंजर में हूँ? डॉक्टर कहते हैं हाँ, पर वो 100% गारंटी नहीं देते एंड ALS दोबारा होता है और अगर तुम्हारी कंडीशन सीरियस हो जाती है तो तुम मर भी सकते हो। यहाँ वानिदा उसकी मॉम से बात कर रही होती है, कहती है उसके एग्जीबिशन के बाद वो उनसे मिलने आएगी। एग्जीबिशन की तैयारी होती रहती है। वानिदा थाया के साथ रेस्टोरेंट आती है। ये वही प्लेस था जहाँ इन लोगों ने अपना रिलेशन एंड किया था। थोड़ी देर बाद यहाँ पावुत भी आता है एंड पीछे से केक आई। जब यहाँ थाया आता है वानिदा कहती है चलो दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। थाया कहता है तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं पावुत केकाई को घर छोड़ देता है। केकाई चेंज हो चुकी है, उसे पावुत की इलनेस के बारे में भी पता है एंड वो कहती भी है पावुत का ख्याल रखने के लिए, बट पावुत मना कर देता है, वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। देन वो मॉम से मिलने पहुंचता है। वो मॉम के लिए गिफ्ट भी लाया था। मॉम के पास कॉल आता है। वानिदा उन्हें बताती है वो आ रही है। मॉम कह रही होती है मैं अभी बिजी हूँ, क्योंकि यहाँ पावुत था। फोन रखते ही कह देती है पावुत से तुम्हें चले जाना चाहिए क्योंकि वानिदा आ रही है। पावुत जाने के लिए शूज पहन रहा होता है बट तभी वानिदा आ जाती है। पावुत तो वानिदा को देखते ही रह जाता है। वानिदा भी उसे देख लेती है। मॉम कहती है ये बस जाने ही वाला था। वानिदा नॉर्मल बिहेव करती है। पावुत कहता है तुम बहुत चेंज हो गई हो। वानिदा कहती है हाँ। पावुत कहता है तुम केवल बाहर से चेंज हुई हो अंदर से नहीं, बट वानिदा डिनाई करती है नहीं आप पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। नन कहती है आप यहाँ रेस्टोरेंट में आई थे, आप अपना डिनर एंजॉय कीजिए। वो मॉम के लिए काफी सारे गिफ्ट लाई थी। मॉम उससे एक्सप्लेन करने वाली होती है। वानिदा कहती है कोई बात नहीं, आप रेस्टोरेंट चलाती हैं तो कस्टमर लोग तो आएंगे ही ना। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं पावुत जा रहा होता है तो उसे एक पोस्टर दिखता है एग्जीबिशन का एंड ये वानिदा के एग्जीबिशन का ही पोस्टर था। उसमें एक बेबी की हॉर्स के साथ पिक्चर बनी थी जिससे वो थोड़ा कनेक्शन फील कर रहा था। देन वो एग्जीबिशन में जाके उस पेंटिंग को देखता है। जब आर्टिस्ट का नाम पढ़ता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वानिदा का नाम था। तभी वह किसी से पेंटिंग के बारे में पूछता है। देन उसे यहाँ वानिदा भी दिख जाती है। वही लेडी जाकर वानिदा को बताती है एक पर्सन आपकी बेबी वाली पेंटिंग में इंटरेस्ट ले रहे थे। वानिदा को देखकर वो चला जाता है वहाँ से। वानिदा नहीं मिल पाती उससे, उसे बस छुपकर देख रहा होता है। थाया केकाई से मिलने पहुंचा होता है। उसे लगा था पावुत एंड वो रिलेशन में होंगे बट केकाई बताती है नहीं हम फ्रेंड्स हैं एंड मैंने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है क्योंकि वो मुझे नहीं किसी और को प्यार करता है। थाया पूछता है उसके पास नई गर्लफ्रेंड है। केकाई कहती है डिवोर्स हो गया बट अभी भी वो उसी लड़की को लव करता है। ये बात सुन के थाया थोड़ा परेशान हो जाता है। यहाँ पावुत पहुंचा होता है पेंटिंग बाय करने, अपना रियल नाम नहीं बताता है। कहता है मैं मेरे बॉस के लिए पेंटिंग ले रहा हूँ। नेक्स्ट डे जब वानिदा पेंटिंग देखती है तो हैरान हो जाती है, पूछती है ये पेंटिंग किसने बेची। लेडी आकर बोलती है कल जो पर्सन आए थे ना उन्होंने खरीदी है। वानिदा कहती है ये पेंटिंग बेचने के लिए नहीं थी। थाया कहता है मैं उसे कॉल करता हूँ। वानिदा कहती है नहीं वो हैंडल कर लेगी। उसे कॉल लगाती है, कहती है मिस्टर तावान आप मेरी पेंटिंग खरीदना चाहते हैं? पावुत कहता है हाँ। वानिदा कहीं उसकी आवाज़ ना पहचान जाए इससे बचने के लिए वह थोड़ा आवाज़ बदल कर कहता है मैं उनका सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। थोड़ी देर बाद कॉल
कॉल करेंगे वो आपको। देन बाद में मैसेज कर देता है, मैं तावान हूँ एंड आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। वानिदा के पास, वानिदा को ये बात थोड़ी स्ट्रेंज लगती है। वानिदा उसे कहती है वो पेंटिंग सेल के लिए नहीं थी, मैं आपके लिए कुछ और ड्रॉ कर दूंगी। पाहुत मना कर देता है। वानिदा कहती है मैं आपको कॉल करके बात करती हूँ, बट वो कहता है मैं अभी बिजी हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं पाहुत जिस प्लेस पे आया होता है वहीं वानिदा भी बैठी होती है। जब पाहुत उसे देखता है तो थाया उससे मिलने आया था कि इन दोनों को साथ पे देख के बहुत ज्यादा जल रहा होता है। कहता है इतना रिवीलिंग ड्रेस क्यों पहना है, बट थाया उसे अपना कोट निकाल कर जब देने लगता है पाहुत की जेलसी और बढ़ जाती है। इन दोनों को लवी डबी होता देख उसे रहा नहीं जाता। वह मैसेज करता है मैं अभी फ्री हूँ, उसे मिलने के लिए बुलाता है। वानिदा थाया से कहती है मैं तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं जा सकती हूँ, मिस्टर तावान ने मुझे मिलने बुलाया है, वो पास में ही है। वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है मिस्टर तावान को। उसका मैसेज आता है उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था इसलिए वह घर जा रहा है। पाहुत पूछता है आप पेंटिंग नहीं सेल करेंगी, वानिदा हाँ कहती है देन जा रही होती है। पाहुत वानिदा को जाते हुए देख रहा होता है, इवन उसके घर तक उसके पीछे भी आता है। बट तभी यहाँ थाया आकर कहता है काफी दिनों बाद देखा है तुम्हें मिस्टर पाहुत। देन ये दोनों बात करने के लिए जाते हैं। थाया पाहुत से कहता है तो हमें उसकी लाइफ में दोबारा आकर उसकी लाइफ को मैस्टअप नहीं करना चाहिए। पाहुत कहता है डरो मत, मैं बस एक्सीडेंटली वानिदा से मिल गया था एंड जानना चाहता था वो कैसी है, बस उससे मिला नहीं हूँ मैं। देन पाहुत कहता है ऐना का ख्याल रखने के लिए थैंक्स। आर्टिस्टिक फील्ड में वानिदा ने अपना नाम ऐना रख लिया होता है। थाया कहता है तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी केयर करता हूँ क्योंकि मैं उसे लव करता हूँ। पाहुत कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं, जा रहा होता है बट काफी सैड भी होता है। नेक्स्ट सीन में थाया पहुँचता है कि एक आई से मिलने। थाया बताता है वो किसी को पसंद करने लगा है। ये दोनों वॉक करते हुए इस प्लेस पर आते हैं। यहाँ थाया उसे बताता है वो ऑर्फन था, अपनी स्टोरी बताता है। यहाँ दारिका को दिखाते हैं जो कि वानिदा की पिक्चर देख रही होती है। अपने बेटे से कहती है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा अपनी आंखों पर। कौन उसके लिए बहुत खुश होता है, जो उसका गिल्ट था वो वानिदा की सक्सेस देखकर खत्म हो चुका था। यहाँ मीटिंग का सीन दिखाते हैं, ये सभी पाहुत पर बहुत नाराज हो रहे होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स की सेल गिर रही थी, वो उसे डिजाइन चेंज करने के लिए कहते हैं। पाहुत उन्हें आइडिया देता है हमारा ये प्रोडक्ट टीनेजर के लिए है, सो हमें किसी ऐसे आर्टिस्ट को ही चूज करना चाहिए जो स्ट्रीट आर्ट स्टाइल प्रोडक्ट के लिए बना सके। नेक्स्ट सीन में चार्ट से पूछता है तुमने डिजाइनर चूज कर लिया, वह कहता है हाँ वो आपका वेट कर रहे हैं। जब ये यहाँ मिलने पहुँचता है तो वह डिजाइनर वानिदा ही होती है। ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक रह जाते हैं। देन वानिदा कहती है मेरी तो कॉर्न के साथ ही मीटिंग थी, अभी वर्क की बात तो हमने कुछ ज्यादा की नहीं है, और वहाँ से बहाना करके जा रही होती है। अब तो उसे रोककर कहता है वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहता है, मैंने तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया था, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं सच में तुम्हारी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। वानिदा कहती है ठीक है, अच्छा है हम दोबारा नहीं मिलेंगे। वानिदा आकर काफी सोचती है, कहती है ठीक है मिस्टर तावान बहुत ज्यादा ही रिक्वेस्ट कर रहे थे तो उन्हें ये पेंटिंग दे दो। वह चार्ट को पेंटिंग लेने के लिए भेजता है, घर पहुंचकर उसी पेंटिंग को देख रहा होता है एंड दादी उसको। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं वानिदा को सरप्राइज मिलता है, थाया उसे हैप्पी एनिवर्सरी कहता है, वह काफी खुश होती है। थाया कहता है सरप्राइज का एंड नहीं है और भी है। ये दोनों मैसेज पे काफी बात करने लगे थे, इनकी अंडरस्टैंडिंग भी काफी अच्छी थी। वह उससे ही एडवाइस मांगती है कि एक लड़का है जो मुझे बहुत पसंद करता है और मुझसे शादी भी करना चाहता है, मुझे क्या करना चाहिए। पाहुत पूछता है क्या उसने तुम्हें प्रपोज किया, वानिदा कहती है नहीं बट आई थिंक वो आज करने वाला है, पाहुत तो चाहता ही था वानिदा अपनी लाइफ में सेटल हो जाए आगे बढ़ जाए, सो तुम्हें हाँ ही बोल देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं थाया वानिदा को लेने आया होता है। अब यहाँ पर पाहुत भी पीछा कर रहा होता है इनका, वो डिफरेंट स्टाइल में वानिदा को प्रपोज करता है एंड शादी के लिए पूछता है। सभी लोग कार से बाहर निकलकर कहने लगते हैं उससे मैरी हिम। दोनों कार से बाहर आते हैं, सभी लोग उन्हें बधाई दे रहे होते हैं एंड पाहुत बेचारा बहुत ज्यादा सैड होता है। वानिदा पहले ही उसे बता देती है कि वो फ्रेंकली उसे बता रही है अभी उसके मन में लव वाली कोई फीलिंग नहीं है उसके लिए। थाया कहता है ठीक है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, देन मैं तुमसे शादी के लिए पूछूंगा, मैंने बहुत समय वेट किया है एंड मैं खुशी ही चाहता हूँ तुम्हारी। यहाँ पाहुत काफी सैड तो होता है बट वानिदा से तावान बनकर ही बात करता है मैसेज पे एंड ये दोनों सलाह मशवरा करते रहते हैं। यहाँ केकाई अचानक उठ जाती है एंड थाया की बातों को सोच रही होती है जब उसने उसकी सिस्टर के बारे में बताया था। वो कहती है मैं इस बारे में क्यों सोच रही हूँ। देन वो उससे मिलने ही पहुंच जाती है। जब वो उसके साथ थी तभी उसके पास कॉल आता है किसी का, उसे उसकी सिस्टर मिल गई थी। वो केकाई को हक करके बताता है उसकी सिस्टर मिल गई है। ये लोग उससे मिलने पहुंचते हैं, ये लोग कहते हैं हमने
क्रॉस चेक कर लिया है, यही आपकी सिस्टर है, वो मान भी जाता है, बट केकाई को ये बात थोड़ी अजीब लग रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं वानिया के पास दादी मिलने पहुंची होती है, वो उसे रिक्वेस्ट करती है उनके प्रोडक्ट्स के लिए डिजाइन करने को। देन फा से बात करती है, फा कहती है तुम पावुत के साथ बिजनेस करने के लिए राजी क्यों हो गई, तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए था ना, इस तरह तुम आगे ही नहीं बढ़ पाओगी। यहाँ पावुत को दिखाते हैं जो कि मॉम के पास आराम से डिनर कर रहा होता है। यहाँ वानिदा आती है, वानिदा को देखकर पावुत चला जा रहा होता है। वानिदा उसे रोककर कहती है तुम मेरी माँ से मिलने आते थे। पावुत कहता है हाँ मुझे उनके हाथों का खाना अच्छा लगता है इसलिए। वानिदा कहती है मुझे पता है मेरी माँ तो हमें बहुत पसंद करती है। पावुत कहता है हाँ ये सच है, मैं भी उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। वानिदा कहती है उसकी मॉम से दूर रहे वह। पावुत कहता है वो तुम्हारी मॉम एंड मेरे बीच की बात है। वानिदा कहती है आपने दादी को मेरे पास रिक्वेस्ट करने के लिए क्यों भेजा। पावुत कहता है मैंने नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुम्हें चूज किया है, तुम्हें पर्सनल इमोशन को वर्क के बीच में नहीं लाना चाहिए। ऐसे वानिदा मानने वाली नहीं थी। पावुत कहता है हाँ मुझे देखना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा ना। वानिदा कहती है हमारे बीच में कुछ नहीं है एंड मान जाती है। नेक्स्ट डे वानिदा ऑफिस पहुंचती है, पावुत उसे सारी डिटेल्स दे देता है, देन वो डिजाइन करना स्टार्ट कर देती है। फाया भी उसके साथ ही होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं चार्ट वानिदा को कुछ और डिटेल्स देने जा रहा होता है। जब पावुत को पता चलता है वानिदा को देने जा रहा है तो वो भी उसके साथ जाने लगता है। पहुंच तो जाता है मगर जब इन दोनों को साथ में देखता है तो चरण के मारे कहता है मुझे नहीं मिलना, तुम ही दे दो जाकर। फाया उसके लिए ब्रेकफास्ट लाया था, उसका काफी ख्याल रखता है वो। वानिदा के पास मैसेज आता है चार्ट का, वो कहता है मिस्टर पावुत तुम्हें अर्जेंटली बुला रहे हैं। वानिदा मिलने पहुंचती है, पावुत वानिदा से कहता है हमारी कंपनी की डिटेल्स मैं तुम्हें ऐसे ही क्यों दूँ, तुम यहीं बैठकर वर्क करो। पावुत उसके बाजू में आकर बैठता है एंड उसकी गालों को सहला रहा होता है, बट ये पावुत का सपना था। ये लोग काफी देर तक काम करते हैं, पावुत कहता है उसे भूख लगी है ये कहकर चला जाता है। वो मॉम के रेस्टोरेंट आया था, वहाँ पर से वानिदा एंड उसके लिए कुछ लेकर आता है। यहाँ वानिदा सो चुकी थी, पावुत उसे ही देख रहा होता है, उसके काफी क्लोज भी था। वानिदा उसको देखकर स्माइल करने लगती है, बट ये एक और ड्रीम था पावुत का। रियलिटी में वानिदा उठकर स्माइल तो करती है बट जैसे ही उसको रियलाइज होता है दोनों की स्माइल गायब हो जाती है। जब वो फूड देखती है तो वो कहती है आप फिर से रेस्टोरेंट गए थे। वानिदा गुस्सा करने लगती है, पावुत भी गुस्सा करने लगता है, कहता है वो तुम्हारी माँ है लेकिन मैं भी उनको माँ मानता हूँ, मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा जिस तरह तुम छोड़ के चली गई थी 3 सालों के लिए। वानिदा गुस्से में कहती अकेले ही खाओ, वो गुस्से में खाने भी लगता है। वो अपना मन हल्का करने के लिए मिस्टर दावान के पास कॉल लगाती है जो कि पावुत था। अब पावुत के पास भी कॉल आता है, वो उठकर चला जाता है साइड में बात करने के लिए। अब वानिदा के पास थाया भी आ गया था क्योंकि उसे चलने के लिए कह रहा होता है तो वह कॉल रख देती है। तब जा रही होती है तो पावुत से कहती है थाया मुझे लेने आया है, मैं जा रही हूँ। पावुत उसे थोड़ा रूडली बात कर रहा होता है। वानिदा कहती है थाया बहुत अच्छे पर्सन है, आप प्लीज उनसे ऐसे बात मत करिए। अब यहाँ पर पावुत की कंडीशन थोड़ी खराब होने लगती है, उसे ब्लर ब्लर दिखाई देने लगता है, बट वह अपने आपको बहुत कंट्रोल करता है। वानिदा से कहता है तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम ले जा सकती हो। वानिदा कहती है वह कल देख लेगी। थाया का हाथ पकड़ के चली जाती है, उसके जाते ही पावुत गिर जाता है, उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। यहाँ वानिदा वर्क कर रही होती है, तावान को मैसेज करती है आप क्या कर रहे हैं यहाँ। तावान यानी पावुत हॉस्पिटल में होता है एंड इस बार वह बहुत सीरियस कंडीशन में होता है। वानिदा उसे मैसेज करती है जब आप फ्री हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट करें, बट यहाँ डॉक्टर तो पावुत का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। उसके डांस स्कूल में होती है, उसकी असिस्टेंट से पूछती है फाइल के बारे में, वह कहती है मैंने तुम्हें दिया था पर तुम लेकर नहीं आई। देन उसे याद आता है उसने उसकी फाइल थाया के पास ही भूल आई थी। वो थाया को कॉल कर रही होती है बट थाया उसकी सिस्टर के साथ होता है, ये बता रहे होते हैं कि वो कैसे मिली उन्हें। केकाई थाया से मिलने के लिए आ रही होती है, उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। यहाँ ये दोनों बात कर रहे होते हैं, इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है ये थाया की सिस्टर नहीं है। केकाई के पास कॉल आता है, इन लोगों को शोर सुनाई देता है, केकाई कॉल तो पिक कर लेती है। ये लोग आकर उससे बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। केकाई कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, थाया के इमोशंस के साथ खेल क्यों रहे हो। वो पर्सन कहता है हम तो बस थाया को खुश कर रहे थे, उसे सिस्टर चाहिए थी सो हमने दे दी। तभी यहाँ थाया आता है क्योंकि केकाई के पास थाया का ही कॉल आया था जो उसने पिक कर लिया था। थाया ने सारी बात सुन ली होती है, वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। केकाई उसे समझाती है, बावुत हॉस्पिटल में था, ये सभी बावुत का पूछ रहे होते हैं। दादी कहती है वो ट्रिप पर गया है। नेक्स्ट सीन में चार्ट के पास कॉल आता है वानिदा का, वो पूछती है प्रेसिडेंट अभी तक आए कि नहीं ट्रिप से, मुझे उन्हें अपना वर्क दिखाना है। चार्ट कहता है नहीं। वानिदा कहती है बट उन्होंने तो मुझसे कहा था प्रोजेक्ट लॉन्च न्यू ईयर के पहले होना है बट वो अभी तक नहीं आए। वानिदा को ये बात अजीब लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं ये दोनों जा रहे होते हैं बात करते हुए। तरीका को लग रहा होता है कुछ तो सीक्रेट है, ये लोग कुछ तो छुपा रहे
है हमसे। तभी यहाँ चार्ट आकर कहता है, प्रेसिडेंट मुझे डॉक्यूमेंट मिल गए हैं, मैं हॉस्पिटल ही आ रहा हूँ। इन दोनों ने ये बात सुन ली थी, ये सोचने लगते हैं। डॉक्टर कहते हैं, अभी तो तुम ठीक हो। चार्ट आकर बताता है, वानिदा का कॉल आया था। वापुत कहता है, ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैं उससे नहीं मिलूंगा। चार्ट दादी से कहता है, इस बार उनकी इलनेस और ज्यादा वर्स हो गई है, वो वानिदा को लेकर बहुत स्ट्रेस में है। दादी कहती है, हमारी गलती थी, हमने वानिदा को डिजाइनर के रूप में चूज कर लिया। चार्ट कहता है, बट प्रेसिडेंट वानिदा के साथ रहते हैं तो खुश रहते हैं, वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे विश्वास है वानिदा भी उनसे प्यार करती है, नहीं तो अभी तक उसने थाया से शादी कर ली होती। अगर वानिदा को पता चलेगा तो वो प्रेसिडेंट के पास वापस आ जाएगी। दादी सोचने लगती है। ये दोनों यहीं खड़े होके बातें सुन रहे थे। बाबू वापस आ गया था। दादी कह रही होती है, उन लोगों को जो करना है वो करने दे, मुझे बस तुम्हारी चिंता है बेटा। बाबू कहता है, नहीं हम कंपनी को गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। यहाँ दादी का कुछ अलग ही प्लान बना रही होती है। वो दादाजी के पास आई होती है, उन्हें बता देती है पावुत की इलनेस के बारे में। ये बात जान के वो बहुत खुश होता है। जब दादी का ये बात कौन को बताती है तो वो कहता है, वो अंकल को सारा बिजनेस देंगे, मुझे नहीं, आपको उन्हें नहीं बताना चाहिए था। वानिदा पावुत को उसका वर्क दिखाती है जो कि उससे काफी पसंद आता है। वानिदा जाने लगती है। पावुत कहता है, उसके साथ काम करके उसे बहुत अच्छा लगा। वानिदा चली जाती है। पावुत वानिदा के बारे में ही सोच रहा होता है, देन उस पेंटिंग को पैक करने लगता है। वानिदा थाया से बात कर रही होती है, उसकी सिस्टर आम्पा का बर्थडे था। वो कहती है, मैं घर जा रही हूँ उसका गिफ्ट लेने के लिए। थाया कहता है, ठीक है तुम घर पर ही रहना, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। यहाँ पावुत आया होता है पेंटिंग रखने के लिए। देखता है घर में कोई नहीं है तो चुपचाप पेंटिंग रख रहा होता है। बट वानिदा स्टूडियो में थी, उसे देख लेती है, कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जब वो पेंटिंग देखती तो उसे भी समझ आ जाता है यही मिस्टर तावान है। इसके बाद तो उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वह कहने लगती है, तो मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे। यहाँ थाया भी आ जाता है, इनकी बातें सुनने लगता है छुपकर। पावुत कहता है, उसका कोई इरादा नहीं था, वो उसे एक्सीडेंटली ये पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद आ गई, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारी पेंटिंग है। वानिदा उससे कह रही होती है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, तुम मुझसे जरूर कुछ सच छुपा रहे हो। पावुत कहता है, जो सच है वो सामने है। वानिदा कहती है, तुम पहले जैसे नहीं रहे हो। पावुत कहता है, जो सोचना है सोचो। वानिदा उसे धक्का देती है, दूर चले जाओ यहाँ से। वहीं बैठ के रोने लगती है। पावुत बहुत मुश्किल से खड़ा होता है, सॉरी कह के चला जाता है। अब थाया मिल जाता है उसको जाते वक्त। ये दोनों अगेन बात करने आते हैं। थाया कहता है, तुम्हें चाहिए क्या है। पावुत कहता है, तुमने सुन तो लिया जो भी मैंने कहा। थाया कहता है, मुझे तुम पर डाउट हो रहा है, तुम वानिदा के क्लोज जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, क्या तुम अभी भी उससे लव करते हो। पावुत रिफ्यूज करता है आंसर देने से। थाया कहता है, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि मैं वानिदा को लव करता हूँ एंड उसे हैप्पी देखना चाहता हूँ। पावुत कहता है, उसकी फीलिंग्स उसका पर्सनल मैटर है, वो किसी को नहीं बताएगा। और रही बात वानिदा की, तो वो उससे अब नहीं मिलेगा एंड चला जाता है। यहाँ वानिदा इस पिक्चर को देख के बहुत सैड होती है। थाया उसके पास पहुँचता है, रोती हुई वानिदा को चुप कराता है। वानिदा कह रही होती है, मैं मूव ऑन कर जाऊंगी, बट सच तो यह है कि मैं अभी तक उसे भुला नहीं पाई हूँ। मीटिंग में दिखाते हैं, पावुत आंख बंद करके बैठा होता है, चार्ट उसे जगा रहा होता है। तन ये दादाजी यहाँ पे आ जाते हैं, कहते हैं तुम्हें घर पर ही आराम करना चाहिए और उसकी इलनेस के बारे में सबको बता देते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं, तुम प्रेसिडेंट के लिए सुटेबल नहीं हो। पावुत कहता है, वो जानता है उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट वो कंपनी को गलत हाथों में नहीं जाने देगा। दादाजी को साफ साफ बता रहा होता है, जो वो सोच रहे हैं वैसा वो होने नहीं देगा। वानिदा पेंटिंग खोलती है, उसे एक नोट मिलता है। नोट में पावुत ने यानी तावान बनकर लिखा होता है, ये पेंटिंग मेरी दिल की बहुत करीब है, उस तरह तुम्हारी भी, इसलिए मैं तुम्हें ये पेंटिंग लौटा रहा हूं और तुम मेरी मेमोरीज में हमेशा रहोगी। थाया भी वानिदा को ही देख रहा होता है। देन वो केक आई के पास पहुंचता है। थाया कह रहा होता है, मैं वापस जाने का सोच रहा हूं और वहीं रहूंगा, साथ में शादी का भी सोच रहा हूं। केक आई एक्साइटेड होकर पूछती है, कौन है वो, तुमने मुझे अभी तक उससे मिलाया नहीं। थाया उसे बता देता है, वो वानिदा से शादी कर रहा है। यही बात सुन के केका ही गुस्सा होकर जाने लगती है। थाया उसे रोकता है, कहता है, मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता था। केका ही गुस्से में कहती है, मगर तुम मुझसे पावुत एंड वानिदा के बारे में पूछते थे। थाया कहता है, 3 साल तक वानिदा यानी ऐना मेरे साथ थी, कोई तुम्हें यहाँ धोखा नहीं दे रहा है, और मैंने इसलिए तुमसे पावुत के बारे में पूछा था, मुझे तुम्हारी फिक्र थी, तुम मूव ऑन कर पाई हो कि नहीं उससे, पावुत खुद के अलावा किसी और को लव नहीं कर सकता है। केका ही गुस्से में कहती है, ऐसा नहीं है, वो वानिदा को बहुत प्यार करता है, खुद से भी ज्यादा, क्योंकि वो नहीं चाहता वानिदा उसके साथ सफर करे क्योंकि वो बीमार है। थाया उससे पूछता है, उसे क्या हुआ है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं,
पावुत उस डिवोर्स एग्रीमेंट को देख रहा होता है जब उसने बहुत सारी कंडीशंस रखी थी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ये दोनों के साथ वो मीटिंग कर रहा होता है। इस बार उसने बिल ही तैयार कर ली थी। उसने रिकॉर्डिंग में बोला होता है ग्रैंडमा को वापस प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा एंड चार्ट वाइस प्रेसिडेंट रहेगा। जो कॉर्न है वो मैनेजर की जॉब करेगा तब तक जब तक वो प्रेसिडेंट का वर्क अच्छी तरह सीख नहीं जाता। और रही बात वानिदा की तो मैंने पहले भी कहा था उसे कुछ सच नहीं बताना है। मिस्टर परिनाय पूछते हैं आपको कुछ और भी ऐड कराना है। पावुत कहता है हाँ, फ्रांस में वानिदा के लिए उसने एक घर खरीदा है और एक स्टूडियो, वो भी ऐड कर दो। मुझे पता है वो वापस जाने वाली है, बट ये बात ध्यान रहे वानिदा को ओनर के बारे में पता नहीं चलना चाहिए एंड दादी को इन सब चीजों के बारे में। पावुत कहता है कल वो अनाउंसमेंट करने वाला है। चार्ट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, साथ में मिस्टर परिनाया भी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मिस्टर परिनाया वानिदा के पास पहुंचते हैं। वो पूछती है आने का कारण। मिस्टर परिनाया कहते हैं मुझे फैन से पता चला तुम वापस जा रही हो तो मैं तुमसे मिलने आ गया। अब मिस्टर परिनाया वो रिकॉर्डिंग साथ में एक नोट वानिदा के बैग में डाल देते हैं। यहाँ वानिदा जा रही होती है। मॉम कहती है ऑनेस्टली बताओ तुम अचानक क्यों जा रही हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तभी यहाँ पावुत भी आ जाता है। वो कहती है आपके कस्टमर आ गए हैं, मुझे अपना लगेज पैक करना है, चली जाती है। मॉम भी पावुत से कहती है उसकी लाइफ को मेस्ड अप मत करना प्लीज। ये सब सुनकर वो जा रहा होता है। लिटरली वो बहुत ज्यादा सैड होता है। वानिदा पैकिंग कर रही होती है। आज वही दिन था जिस दिन उसने अपना बेबी खोया था, सो वो उसी प्लेस पर जाती है जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। पीछे से पावुत भी आ रहा होता है, वानिदा को दूर से ही देखता है। जब वानिदा चली जाती है तो उस प्लेस पर जाता है। नेक्स्ट डे फाइनली वानिदा को वो रिकॉर्डर मिल जाती है। उसमें लिखा होता है मैंने एक्सीडेंटली तुम्हारे बैग में ये डाला है, बट जो ओनर है वो इसे प्राइवेट रखना चाहता है, सो तुम इसे सुन नहीं सकती हो मिस्टर परिनाया, ऐसे लिखा होता है नोट में। वह सुनती है एंड जो कुछ भी पावुत ने कहा होता है उसे सब समझ में आ जाता है। सच जानने के बाद वह दौड़कर जाती है मिस्टर परिनाया के पास। कहती है ये सब क्या है? मिस्टर परिनाय अपना मुंह छुपा रहे होते हैं क्योंकि चार्ट वो नोट पढ़ रहा होता है। मिस्टर परिनाय कहते हैं मैं जानता हूँ मेरी गलती है, बट मुझसे रहा ही नहीं गया। चार्ट मिस्टर परिनाय से बोल रहा होता है आपने ऐसा क्यों किया? मिस्टर परिनाय कहते हैं वानिदा को जानने का हक है। चार्ट उसे सब बता देता है, कहते हैं डायलिसिस ही है बट उसमें उनकी ब्रीदिंग मसल्स भी इंक्लूडेड है, अगर 10 मिनट के लिए भी उनकी सांस रुक जाती है तो वो मर सकते हैं। सच जाने के बाद दादी के पास पहुंचती है। दादी से समझाती है देखो तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, पावुत बस तुम्हारी खुशी चाहता है और कोई ऐसा पर्सन चाहता है जो तुम्हें खुश रख सके तुम्हारे लिए। थाया वानिदा को लेने आया होता है। वानिदा बहुत गहरी सोच में होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं ये दोनों जा रहे होते हैं। वानिदा के मन में बस वही बातें चल रही होती है। थाया उससे कहता है तुम्हें पावुत के पास वापस चले जाना चाहिए। वानिदा को कुछ नहीं कहने देता, कहता है वो समझता है। वानिदा उससे थैंक्स कहती है उसे समझने के लिए। देन वो चार्ट से मिलने पहुंचती है। चार्ट उसे बताता है प्रेसिडेंट तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है एंड अनाउंसमेंट करने वाले हैं उनकी इलनेस के बारे में। पावुत कहता है जो रूमर्स आप लोग सुन रहे हैं मेरी सिकनेस के बारे में वो ट्रू है एंड वो रिजाइन कर रहा है प्रेसिडेंट की सीट से। अब वानिदा यहाँ आकर उसे कहती है मैं तुम्हारी बात से एग्री करती हूँ अगर तुम अपने इलाज के लिए रिजाइन कर रहे हो तो, बट अगर तुम क्विट करना चाहते हो तुम्हारी एबिलिटीज की वजह से तो मैं इस बात से एग्री नहीं करती हूँ। दादाजी कहते हैं तुम इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो, तुम ये सब क्यों बोल रही हो? पावुत कहता है उसने डिसाइड कर लिया है और मेरा तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं। वानिदा कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? पावुत कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे लव नहीं करता हूँ। वानिदा कहती है ये सच नहीं है। बस ये दोनों इसी बात पे से लड़ रहे होते हैं। पावुत मानने को तैयार नहीं होता। वानिदा सडनली आकर उसे किस करती है। थाया भी देख रहा होता है ये सब। पावुत भी अपनी फीलिंग्स को कब तक कंट्रोल करता, वो भी उससे किस करता है। देन वानिदा उससे पूछती है अब बोलो तुम मुझसे लव करते हो ना? मानना इतना कठिन है क्या? तुम अपने एम्प्लॉय से, फैमिली से, सबसे कितना प्यार करते हो और ये सब तुम कंपनी के लिए ही कर रहे थे, तुम क्यों लोगों को गलत समझने का मौका देते हो? पावुत कुछ नहीं कहता। वानिदा गुस्सा होकर चली जाती है। पावुत उसके पीछे आता है। वानिदा कहती है अब मैं वही करूंगी जो मेरा मन कहेगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। पावुत कहता है तुम ऐसे नहीं कर सकती हो, तुम्हें थाया के साथ शादी कर लेनी चाहिए, वो अच्छा है, तुम्हें लव भी करता है। वानिदा कहती बट मैं उससे लव नहीं करती। वो कहती है तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? पावुत कहता है अगर मैं तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचता तो 3 साल में खड़ा भी नहीं रह पाता। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैं कितना ज्यादा सैड था, तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता था, तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता था। वानिदा कहती है मैं भी तो हमारी हैप्पीनेस ही चाहती हूँ ना। पावुत कहता है तुम्हारी हैप्पीनेस मुझ पर डिपेंड करती है, अगर मैं मर गया तो तुम कैसे जियोगी? वानिदा कहती है वो जितने भी टाइम उसके साथ रहेगी वो कभी रिग्रेट नहीं करेगी। अगर तुम्हारे मरने के बाद मुझे ये सच पता चलता तो मुझे कितना ज्यादा गिल्ट होता, मैं पूरी जिंदगी सैडनेस के बर्डन के साथ रहती। क्या तुम मुझे ऐसा देख पाते? बोलो क्या तुम
तुम मुझे अब दूर करोगे? फावद उसके क्लोज आ रहा होता है उसे हग करने के लिए, बट वहीं बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाते हैं। खिकाई आती है, वानिदा को कंसोल करती है। इन लोगों को भी सच पता चल गया था। थाया टिकट्स लेकर बैठा होता है। वानिदा पहुंचती है। थाया कहता है, मुझे पता है मैं कितना भी कोशिश कर लूं मुझे लव कभी नहीं कर सकती, तुम्हें उसके साथ ही रहना चाहिए। वानिदा उसे हग कर लेती है। थाया भी बहुत सैड होता है बट कुछ कहता नहीं। हाँ, ये डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं। दादी कहती है उसकी सिचुएशन तो और ज़्यादा ख़राब हो गई है। डॉक्टर कहते हैं रिजल्ट दोपहर को आ जाएंगे और मैं आज आपको क्लियर आंसर दे दूंगा। वानिदा पावुद के पास ही होती है। यहाँ केकाई थाया को इस हालत में देखती है, उसे अपने घर ही ले आती है। थाया उसको बताता है मेरा हार्ट ब्रोकन हो चुका है। केकाई कहती है वो पावुद के लिए खुश है। देन कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ और उसके सर पे सहला कर जाती है। वो अपनी वॉच पहनता है, जा रहा होता है बट रुक कर वापस आता है। उस फोटो को देखता है एंड अपने फोन वाली फोटो से मैच करता है। केकाई से आके पूछता है क्या ये तुम हो? केकाई कहती है हाँ, तुम इतने रूड क्यों बन रहे हो, ये मैं ही हूँ। वो पूछता है क्या तुम्हारा कोई भाई या बहन है? केकाई कहती है मुझे नहीं पता, मैं ऑर्फन हूँ, मेरी मॉम ने मुझसे कहा था, मैं उन्हें हॉस्पिटल में मिली थी, उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया। थाया कहता है तुम ऑर्फन हो? उसे पूछने लगता है तुम्हारे कोई बर्थमार्क है क्या? उससे डिटेल्स जानने की कोशिश कर रहा होता है। केकाई को कुछ समझ नहीं आता। थाया कहता है मुझे लगता है तुम मेरी सिस्टर हो। देन वो केकाई की मॉम के पास पहुंचते हैं। थाया उन्हें बताता है मेरी सिस्टर आइसक्रीम लेने गई थी बट वो वापस नहीं आई। वो उन्हें बताती है मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैंने तुम्हें देखा। नर्स से पूछने पे मुझे पता चला तुम्हारी याददाश्त चली गई थी, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तुम्हें कुछ भी याद नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया। और मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था कि केकाई का कोई सिबलिंग भी है। यह वानिदा उसके बेबी से बात कर रही होती है और पावुद के जागने का वेट कर रही होती है। उसके फॉरहेड पर जब वो किस करती है तो हमें दिखाते हैं पावुद सपने में होता है। उसका बेबी उससे कह रहा होता है मम्मा आपका वेट कर रही है, डैड वापस चले जाओ। अभी पावुद को होश भी आ जाता है। पावुद कहता है मुझे सपने में हमारे बेबी दिखा था, वो मुझे ढूंढते हुए आया था। वानिदा कहती है अब तुम मुझे छोड़ कर मत जाना। और पावुद भी कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। देन डॉक्टर आता है। दादी पूछती है मेरा पावुद कैसा है? डॉक्टर कहते हैं मैं 100% श्योर हूँ पावुद को ALS डिजीज नहीं है बल्कि उसे कोई और दूसरी डिजीज है। डॉक्टर डिटेल में उस बीमारी के बारे में बताने लगता है। वो कहते हैं दोनों डिजीज के सिम्टम सिमिलर हैं एंड इस डिजीज में पावुद को अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, टाइम टू टाइम रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना होगा, बस अच्छी बात यह है कि वो मरेगा नहीं। दादी बहुत खुश होती है एंड वानिदा भी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं केकाई के पास थाया आता है, वो उसे लेने आया था। वो कहता है हम दोनों भाई बहन तो हैं मगर मुझे पता है तुम्हारे लिए थोड़ा अजीब होगा। जाते वक्त थाया कहता है मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। केकाई उसे रोककर कहती है माना तुम बड़े हो गए हो बट बड़ी बहन मैं हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं पावुद एंड वानिदा की फिर से शादी हो चुकी थी। सभी लोग बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। पावुद वानिदा से कहता है तुम्हें पता है मैंने इस दिन का कितना वेट किया है। वानिदा कहती है उसने भी बहुत वेट किया है। उसे सॉरी कहता है उसका दिल तोड़ने के लिए। एंड इन लोगों की स्वीट मोमेंट के साथ ही ये ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ड्रामा में।